हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन वेब टेक्नोलॉजी चैनल में। तो दोस्तों, आज काफी समय के बाद एक नई वीडियो आ रही है। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जो लारावल है 8, और उसमें क्रड ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज की जो हमारी वीडियो है किस टॉपिक पर रहने वाली है। ठीक है, तो हम इसको बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना जो प्रोजेक्ट है उसको आप इंस्टॉल करेंगे कंपोजर के थ्रू। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा प्रोजेक्ट जो डाउनलोड हो जाता है, तो उसके बाद हम जो सबसे पहली चीज करनी होती है, ठीक है, उससे लेके अखीर तक जो हमारा जो क्रड ऑपरेशन है हम कैसे बनाएंगे वो सारा का सारा देखेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि कुछ जो बिगनर्स हैं तो उनको ये दिक्कत आती है। अभी वो इंस्टॉल तो कर लेते हैं, ठीक है, लारावल उनकी इंस्टॉल हो जाती है, तो जब वो यहाँ पे जब पहले एक्शन जो कोई भी हम बेसिक होता है जो सबसे पहले परफॉर्म करने होते हैं इस पे टास्क, तो वो नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो वो आज सारा का सारा जो भी है हम उसको शुरू से लेके जो हमारा करंट ऑपरेशन बनाने तक है सारा का सारा वो करेंगे। ठीक है, तो साथ में हम जो इसकी वैलिडेशन है, जैसे हमारी लारावल में वैलिडेशन इनकी बनी हुई है, वो भी हम साथ में कवर करेंगे। ठीक है, तो एक बात और भी, जो ये हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो ये इसको हम पूरा का पूरा जो इन्होंने लारावल की डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है तो उसको फॉलो करते हुए हम वहां से बनाएंगे। क्योंकि वहां पे क्या है, एक तो जैसे जो नए बिगनर्स हैं जो लारावल सीख रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या होगा वहां से जो कैसे हम डॉक्यूमेंटेशन को यूज करते हैं, कैसे उसको पढ़ते हैं, और जो उनके वहां पे दिए होते हैं फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो वो सारा हम जो भी करेंगे हम उसकी हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो ये आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं बेसिक से। तो गाइस, आप सबने बहुत ही सपोर्ट की हमारे चैनल को, तो मैं और चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को और सपोर्ट करें। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मानता हूँ काफी थोड़ी सी लेट वीडियो आ रही है, बट आपके लिए कुछ ऐसे शो प्लान कर रहा हूँ तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम जा रहा है। तो उसके बाद हम जब भी हमारा जो काम ये मेरा है वो हो जाएगा कंप्लीट, तो उसके बाद रेगुलर्स मैं कर दूंगा यहाँ पे वीडियो। ठीक है, तो क्योंकि आपको भी फिर सीखना होगा, तो अगर ऐसा रहेगा तो फिर आपको भी, ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो फिलहाल के लिए अभी हम इस पे जो लारावल है, ठीक है, इसको अभी करते हैं, क्रड ऑपरेशन बनाते हैं। तो इस पे क्या है कि आपको जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, जैसे राउटिंग है, ठीक है, कैसे वर्क करती है, इसके मिडलवेयर्स हैं, कैसे क्रड ऑपरेशन, रिसोर्स कंट्रोलर कैसे वर्क करता है, ठीक है, इसका जो रिक्वेस्ट कंट्रोलर है, जो रिक्वेस्ट बनती है वो कैसे वर्क करती है, तो वो छोटी छोटी चीजें हैं सारी, वो सारी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका आपका जो बेस है लारावल का वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज इसको पूरा फॉलो कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो लारावल को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो उसको आपको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैंने, मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किए, वो मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है, यहाँ पे प्रोजेक्ट खुला हुआ है लारावल 8 न्यू। ठीक है, ये लारावल 8 को इंस्टॉल मैंने किया है, क्योंकि ये काफी टाइम ले लेता है जब इंस्टॉल होना आता है, तो टाइम बचाने के लिए मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। तो मैं आपको अभी बताता हूँ भी आपको कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑफिशियली हम लारावल की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको लारावेल की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उस पे जाना है। ठीक है, तो वहां पे आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, पूरा का पूरा एक वे मिल जाएगा आपको किस तरीके से उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है उसकी लारावेल की, और उसके बाद जब हमारी डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे सीधा हमें ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे आपको यहाँ से वे मिल जाएंगे आपको किस तरीके से इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो ठीक है, ये है अगर आपको मैक OS, तो यहाँ पे मैक OS से कैसे इंस्टॉल करनी है, ठीक है, वो है, और उसके बाद उसका रोड मैप है आगे क्या करना है आपको। हम क्योंकि हम हमारे पास विंडो है तो हम सिंपली वे आपको बताऊंगा कैसे यूज करना है। ठीक है, ज्यादातर वही यूज होता है, तो उसको आपको फॉलो करके इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, ये रहा। तो ये देखिए इंस्टॉल वाया कंपोजर,
अब मैंने जब मैंने ये इंस्टॉल की थी, मेरी एक वीडियो पड़ी होगी मेरे चैनल पे भी, आप लारावल को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। वो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई थी, ठीक है। तो आपको जब इंस्टॉल करनी है लारावल, तो सबसे पहले आपके पास कंपोजर होना चाहिए, ठीक है। ये भी मैंने अपने वो वीडियो में बताया था भी कंपोजर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सिंपली अगर आपके पास कंपोजर है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाली कमांड है जो चला देनी है, ठीक है। कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है, लारावल प्रोजेक्ट करना है लारावल का। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल ऐप, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी कोई भी, जैसे आपने, जैसे हमने यहाँ पे नाम रखा है ना लारावल 8 न्यू, तो आपको क्या करना है, कोई भी अपना जो अच्छा नाम लगता है तो आपको वहां पे रख लेना, ठीक है। तो ये आपका जब इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपको उस जो भी आपने नाम रखा होगा प्रोजेक्ट का, उसके अंदर जाना है और अपना सर्वर स्टार्ट कर देना। तो यही काम हम करेंगे। हमने यहाँ पे कंपोजर के थ्रू से जो प्रोजेक्ट है वो अभी इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। तो अभी हम उस प्रोजेक्ट के अंदर है, ठीक है, मैं उसी प्रोजेक्ट के अंदर हूँ। अब हम अपना जो सर्वर है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर किसी को नहीं पता कंपोजर कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो हमारी जो लास्ट वीडियो थी हमने डाल के रखी थी कैसे जो है इंस्टॉल करते हैं लारावल को, तो उसके साथ हमने कंपोजर को भी इंस्टॉल किया था, तो वो जरूर देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए, तो मैं यहाँ पे क्या हूँ, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर अपने इस लारावल के फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं अपना जो है सर्वर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने फोल्डर के अंदर हूँ, अब मेरे को सबसे पहले अपना सर्वर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे जो मैं अपने सी ड्राइव के अंदर जैम्प एसटी डॉक्स लारावल और लारावल 8 न्यू, ठीक है। तो ये मेरा फोल्डर नया प्रोजेक्ट था जो मैंने इंस्टॉल किया था। तो चलिए मैं यहाँ पे सर्वर स्टार्ट करता हूँ। तो सर्वर कैसे स्टार्ट करना है, तो वहां पे अगर आपको नहीं पता कैसे स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कमांड दी है PHP आर्टिसन सर्व, ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, PHP आर्टिसन सर्व, ये आर्टिसन, ठीक है। यहाँ पे आप इस यहाँ पे देखेंगे इनका, यहाँ पे जो ऑटो लोड है, और ऐप के अंदर यहाँ पे आएंगे आप, जब आर्टिसन पे आप आएंगे, यहाँ पे इनकी फाइल है, ठीक है, ये ऑटो लोड फाइल है इनकी है। तो ये क्या करेगी, जो ऑटो लोड इनकी फाइल है उनको क्या करेगी, लोड कर देगी, ठीक है। तो इनके यहाँ पे सारी फंक्शनैलिटी यहाँ पे की हुई है, ठीक है, कैसे वर्क कर रही है। और जब हम इसको कमांड को रन करेंगे PHP आर्टिसन सर्व, तो हमारा जो सर्वर है वो रेडी हो जाएगा। तो उस सर्वर जो हमें वो URL देगा, उस URL पे हमारा जो ये प्रोजेक्ट वर्क करेगा। तो चलिए हम इसको हिट कर लेते हैं। तो हिट करने के बाद हमें ये URL दे देगा, ठीक है, ये URL हमें मिल गया, इस URL पे भी हमारा प्रोजेक्ट है जो वर्क करेगा, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे नया टैब खोलता हूँ, और यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, पेस्ट, और एंटर हिट करना है आपको, और हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट है जो वो खुल जाएगा, ठीक है। लारावल 8, ये देखिए हमारी फ्रेश लारावल 8 है जो वो इंस्टॉल हो चुकी है, और उसका हमें यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है वो मिल गया है। अब नेक्स्ट काम क्या होता है, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले अभी हमें डेटाबेस को इसको कॉन्फिगर करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, तो यहाँ पे आपको इसको मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ, क्लोज नहीं मतलब ये हाइड हो चुका है, क्लोज नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपको आना है कॉन्फिग के अंदर, कॉन्फिग के अंदर आपको यहाँ पे डेटाबेस डॉट PHP मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी देखिए जो कॉन्फिगरेशन है, ठीक है, आप जो भी यूज कर रहे हैं, जैसे SQLite है, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी कॉन्फिगरेशन है, और यहाँ पे अगर MySQL है तो यहाँ पे उसकी कॉन्फिगरेशन है। इस तरीके से जो पोस्ट SQL है, ठीक है, उसकी यहाँ पे है, और इसी तरीके से यहाँ पे जो अनदर जो दिए हुए हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ये देखिए अगर यहाँ पे देखिए जो ये बाय डिफॉल्ट है, ये फॉर्ज का जो डेटाबेस है वो यूज कर रहा है, ठीक है, फॉर्ज डेटाबेस यूज कर रहा है MySQL में डेटाबेस। तो हमारे पास जो फॉर्ज तो नहीं है, हम अपना खुद का जो है डेटाबेस बनाएंगे, और उसका हमें नाम क्या रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ये सेटिंग्स है, ठीक है, आपको इसको देख लेना भी इसमें कैसी कैसी सेटिंग्स की हुई है, ठीक है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये कहाँ से कॉल हो रहा है, ऑपरेट कहाँ से हो रहा है, ये ऑपरेट हो रहा है यहाँ से, ऑपरेट हो रहा है ये .env फाइल से ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है हम इसमें करते हैं, और यहाँ से वो सारा ऑपरेट करता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना जो डेटाबेस है ये देखिए इन्होंने क्या, जब आप इंस्टॉल करेंगे लारावल, तो यहाँ पे आपका जो बाय डिफॉल्ट है वो लारावल का एक डेटाबेस का नेम देगा, ठीक है। अगर आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपको चेक कर लेना है, अगर आपके यहाँ पे डेटाबेस में हमारे मैं यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस वो खुला हुआ है, तो हमारे यहाँ पे देखिए हमारे पास एक लारावल नाम का एक डेटाबेस पहले से मौजूद है, ठीक है जी। तो हमें ये अभी जो ये लारावल का डेटाबेस है इसको यूज नहीं करना, हमें अभी मैं इसका जो नेम है वो रख देता हूँ यूट्यूब, ठीक है, लारावल, ठीक है।
अब देखिए मैंने यहाँ पे YouTube लारावल नाम रख दिया, ठीक है। बट ये क्या है जो ये डेटाबेस हमारे डेटाबेस में यहाँ पे कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो क्या करते हैं कुछ डेवलपर्स, क्या जो बिगनर्स होते हैं, वो बिगनर्स क्या करते हैं, यहाँ पे अपना जो प्रॉम्प्ट ओपन, मैं एक अनदर जो टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, तो वो क्या करेंगे सीधा ही माइग्रेट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जब ये क्या करता है, जब हम माइग्रेट करेंगे तो इसके जो डिफॉल्ट टेबल्स होते हैं, ठीक है, माइग्रेशन के, वो हमें बनाने पड़ते हैं अपने डेटाबेस में। अभी यहाँ पे हम लिख तो देते हैं, ठीक है, बट अब जब हम यहाँ पे माइग्रेट करते हैं इसको, ये माइग्रेट क्या है, ठीक है, ये माइग्रेट है, हम जब डेटाबेस के साथ काम करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा ये माइग्रेट क्या है, ठीक है। माइग्रेट क्या होता है, जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो उसको डेटाबेस में इंसर्ट, सॉरी, अपने जो सर्वर पे लोड करने के लिए हम उसको माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए इसको माइग्रेट करूंगा, ठीक है, तो ये कहेगा आपका जो यूट्यूब का है वो डेटाबेस एग्जिस्ट ही नहीं करता वहां पे, ठीक है। क्योंकि आप आपका जैम सर्वर, एक और ध्यान रखिए बात, आपका जो जैम सर्वर है वो ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो जैम सर्वर के साथ ये माई एसक्यूएल को कनेक्ट करेगा, ये देखिए वो कह रहा है आपका जो YouTube डेटाबेस है, YouTube लारावल नाम से डेटाबेस है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और इसको मैं यहाँ से कॉपी। अब इसका एक जो डेटाबेस, यहाँ पे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको जरूरी है, जो भी आप वहाँ पे डेटाबेस का नाम रखें वो आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूट्यूब नाम, यूट्यूब अंडरस्कोर लारावल नाम से क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस, ठीक है जी। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हमें जो फर्स्ट काम करना होता है, ठीक है, हमारा जो डेटाबेस है ये नीचे देखिए यूट्यूब लारावल नाम से आ गया। अब हमें जो फर्स्ट काम करना होता है तो वो हमें सबसे पहले माइग्रेट करना होता है, तो मैं इसको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ यहाँ से नीचे से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें माइग्रेट कमांड चलानी पड़ती है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो डिफॉल्ट लारावल के जो टेबल्स होते हैं, ठीक है, वो उस डेटाबेस में चले जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं इसको माइग्रेट कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये देखिए इसने क्या किया, अब देखिए वो जो डिफॉल्ट टेबल क्रिएट करता है वो कौन कौन से करता है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। क्रिएट यूजर, एक तो यूजर्स नाम से टेबल क्रिएट करता है, ठीक है, और एक तो उसने माइग्रेशन की, ठीक है, फिर उसको माइग्रेट कर दिया, ठीक है। फिर वो दूसरा जो टेबल क्रिएट करता है वो पासवर्ड रीसेट्स, ठीक है, जो भी यूजर्स के पासवर्ड होंगे पासवर्ड रीसेट्स नाम से एक टेबल क्रिएट करेगा। और जो फेल जॉब्स, ठीक है, ये फेल जॉब्स है, जैसे हम कोई भी डेटाबेस में मान लो कोई भी नोटिफिकेशंस का है, या कोई भी जॉब परफॉर्म करते हैं, ईमेल्स किसी को भेजनी है, तो ऐसी जो जॉब्स होती हैं, ठीक है, वो इन फेल्स, अगर वो फेल हो जाती है तो वो जॉब्स हैं जो इन डेटाबेस में एड हो जाती है, ठीक है, एंट्री हो जाती है उनकी। तो एक आप ध्यान रखिए, आप जो भी टेबल बनाएंगे डेटाबेस में, ठीक है, वो प्लूरल होगा, ठीक है। जैसे ये देखिए पासवर्ड रीसेट्स, ठीक है, यूजर्स, फील्ड जॉब्स, ये आपको ध्यान रखनी है बात, ठीक है। तो चलिए ये हमारी माइग्रेशन होगी, अब डेटाबेस में चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूट्यूब नाम से हमने जो डेटाबेस बनाया था यूट्यूब लारावल नाम से, अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, अब इसके अंदर देखते हैं हमारे पास टेबल्स कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो इसके अंदर हमारे पास देखिए फेल जॉब्स, ये माइग्रेशंस, ठीक है, ये माइग्रेशंस क्या करेंगी, अब माइग्रेशंस चेक करेंगी, देखिए अगर ये यूजर्स टेबल्स अभी एग्जिस्ट कर रहा है, अगर हम दोबारा से कोई टेबल इसमें क्रिएट करना चाहेंगे तो ये माइग्रेशंस के अंदर एंट्री होगी हमारे पास, कौन कौन से माइग्रेशंस बन चुकी हैं, ठीक है। अगर उसको माइग्रेशन अगर यूजर मिल रही है तो हमें वो एरर दे देगा, वो कहेगा भी नथिंग टू माइग्रेट, ठीक है, आपको कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए माइग्रेशन, तीन माइग्रेशन बन चुकी हैं, ठीक है, इसलिए वो यहाँ से नोटिफाई करता रहेगा भी कौन कौन सी माइग्रेशन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, तो दोबारा से वो क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा पहला काम। चलिए अब हम बनाते हैं अपना कर्ड ऑपरेशन, उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट पे आता हूँ और इसको हम क्या कर देते हैं, क्लोज हाइड कर देते हैं, ठीक है, तो इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब हम जो अपनी स्ट्रक्चर है वो समझ लेते हैं, वो स्ट्रक्चर क्या है हमारी, ठीक है। तो जो हमारा प्रोजेक्ट हमारे पास आया, ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट सबसे पहले ऐप फोल्डर के अंदर हमारे पास एक कंसोल रहता है, ठीक है, उसमें कर्नल डॉट पीएचपी रहती है, जो इसका हार्ड कह लीजिए, जो इसका बेस होता है हार्ड डिस्क कह लीजिए, ठीक है, वही काम करती है सारी कंसोल। और उसके अंदर हमारी एक्सेप्शंस है, ये एक्सेप्शंस हैंडलिंग है, ठीक है, कोई भी एक्सेप्शन या एरर को हैंडलिंग करने के लिए ये भी सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और उसके बाद एचटीटीपी,
जो मेन हमारा HTTP है, ठीक है। HTTP के अंदर हमारे पास कंट्रोलर्स मिल जाएंगे। ये कंट्रोलर्स क्या है, ठीक है, कंट्रोलर्स भी अब मैं आपको भी समझाऊंगा कंट्रोलर्स क्या होते हैं, ठीक है, क्यों क्रिएट करते हैं। ये MVC पैटर्न का आ जाता है काम, उस पर भी एक वीडियो में आपको जरूर दूंगा MVC क्या है, वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। MVC का मतलब होता है मॉडल, मॉडल का मतलब जो हम डेटाबेस के साथ उसका लिंक करते हैं उसको हम मॉडल बोलते हैं, ठीक है, जो उसका उसके साथ कनेक्शन बनाते हैं डेटाबेस के साथ, ठीक है। मॉडल व्यू, व्यू मतलब जो हमारे पेजेस होते हैं जिस पे हम जो यूजर का इंटरफेस होता है, जैसे कोई फॉर्म है या कोई बना हुआ है, टेबल्स बने हुए हैं या हमारे पास कोई व्यू आ रहा है, ठीक है, वो हमारे व्यूज में आ जाता है। मॉडल व्यू और कंट्रोलर, कंट्रोलर क्या करता है, मॉडल और व्यू को हैंडल करता है, ठीक है। उसने मॉडल के साथ भी इंटरेक्ट करना है और व्यू के साथ भी इंटरेक्ट करना है, ठीक है। मॉडल से उसने डेटा उठाना है और व्यू को पास करना है, ठीक है। तो ये इसका काम है, तो वो सारा पैटर्न अभी देखने वाले हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे कंट्रोलर्स हैं, उसके बाद मिडल वे, मिडल वे से मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। ये मिडल वे बने होते हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए, जैसे हमारे पास लॉगिन का होता है सेशंस बने होते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक ऑथ मिडल वेयर होता है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन नाम से, और वो क्या करता है, जब हम अपना यूजर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं तो वहां पे हमें वो बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो वो ये सारा करेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे एक और कर्नल हमारी है, ठीक है। यहाँ पे हम जो भी अपने मिडल वेयर बनाते हैं, ठीक है, जैसे ये मिडल वेयर बने होते हैं हमारे, ठीक है, जो नए क्रिएट करेंगे वो सारे इसके अंदर रजिस्टर्ड करने पड़ते हैं, कर्नल को बताना पड़ता है हमने यहाँ पे कौन कौन से मिडलवेयर बनाए, ठीक है जी। तो उसके बाद ये रखे मॉडल्स आ गए। मॉडल्स के अंदर हमारे पास जो यूजर, देखिए अभी यूजर्स टेबल हमारे पास अवेलेबल है, तो जो टेबल अवेलेबल है वो प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, जब वो बट जब उसका मॉडल बनेगा, ठीक है, तो मॉडल उसका रहेगा सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है जी। ये आपको दो चीजें ध्यान में जरूर रखनी है, ठीक है। अगर उसका मॉडल बनेगा, कोई भी टेबल हम क्रिएट करते हैं तो टेबल का नेम होगा प्लूरल फॉर्म में, जब मॉडल क्रिएट करेंगे तो उसका होगा सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। चलिए, ये हमारा हो गया मॉडल, और उसके बाद ये प्रोवाइडर्स, ठीक है, ऐप सर्विस प्रोवाइडर, ये जितने भी इनके सर्विस है, जो भी इनके जो मिडलवेयर होते हैं, ठीक है, जो भी इनकी सर्विसेस होती हैं, ठीक है, जैसे इनके जो इनबिल्ड फंक्शंस होते हैं वो इन सभी में से पास होते हैं, ठीक है। जो ऐप सर्विस प्रोवाइडर है इसमें से सारे इनके वर्क करते हैं फंक्शंस, ठीक है। ये भी डीपली कंसेप्ट है, इसको भी पढ़ना की बहुत जरूरत है, ठीक है। ये भी हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन वहां पे दी हुई लारावेल, उससे आपको इसको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये ब्रॉडकास्ट सर्विस है, ब्रॉडकास्ट का मतलब हम क्या करेंगे, जब कोई भी नोटिफिकेशन होती है, ठीक है, मान लो आपके पास 100 यूजर्स हैं, ठीक है, आपने उनको नोटिफिकेशन भेजनी है या उनको कोई मैसेज भेजना है तो ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है आपको, ठीक है। अगर कोई भी आपने इवेंट किया है, इवेंट करने इवेंट सर्विस प्रोवाइडर है, तो इसके अंदर कोई भी इवेंट है आपका वो वर्क करेगा, ठीक है। इस तरीके राउट है, जो भी हमारे राउट बनेंगे ये सर्विस प्रोवाइडर उनको हैंडल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे वर्क करते हैं, ठीक है। ओके जी, तो ये बूटस्ट्रैप है हमारे पास, ठीक है, ये बूटस्ट्रैप हम अभी यूज करेंगे, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ जाती है, इसके अंदर हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ऐप की, ऑथ की, ब्रॉडकास्टिंग की, ठीक है, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे देखिए बहुत सारी स्ट्रक्चर्स दी हुई है, आप इनको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा जो भी मेन काम है, हम चलते हैं उस पर, हमारा जो क्रॉड ऑपरेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें साथ साथ में हम करते जाएंगे, ठीक है जी। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमें एक राउट बनाना पड़ेगा। तो राउट को कॉल करेंगे तो हमारे पास एक व्यू आएगा, व्यू पे हम फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म से हम क्या करेंगे, डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे, फिर उसको डिस्प्ले कराएंगे, फिर एडिट एंड देन डिलीट करेंगे। चलिए जी, ये फ्रेश काम हम करेंगे, आपके सामने होगा और डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। आप समझ लीजिए, मुझे भी कुछ नहीं आता, मैं भी आपकी तरह हूँ, हम ए से लेकर जेड तक सारा का सारा बेसिक वहीं से करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए, सबसे पहले हमें राउट बनाना है, तो राउट बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर होता है routes.php नाम का, ठीक है। और उसके अंदर हमारा जो routes का काम होता है वो web.php पे होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए स्लैश है, ठीक है, ये स्लैश है, तो स्लैश ये क्या कर रहा है, राउट जब स्लैश गेट हो रही है तो ये वेलकम पेज पे जा रहा है, ठीक है। तो वेलकम पेज पे यहाँ पे देखिए ये स्लैश को कॉल कर रहा है और यहाँ से रिटर्न कर रहा है, हमें व्यू रिटर्न करना है, ठीक है, ये व्यू रिटर्न कर रहा है। तो व्यू कहाँ पे हमारा, हम जाएंगे रिसोर्स, आप देखिए रिसोर्स यहाँ पे एक फोल्डर है, रिसोर्सेस के अंदर व्यूज नाम का फोल्डर बना हुआ है, और यहाँ पे देखिए वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, जो लारावेल टेम्पलेट यूज करता है वो ब्लेड टेम्पलेट यूज करता है, ठीक है, क्योंकि इसके कुछ जो इनबिल्ड फंक्शंस हैं वो ब्लेड पे वर्क करते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए इसमें इनको एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी के, ठीक है। तो चलिए जी, अब यहाँ पे देखिए आपका जो ये सारा का सारा जो बना हुआ है, ये जो हमारा जो वेलकम पेज है यहाँ पे देखिए, जो लारावेल का वेलकम का पेज है यहाँ पे है, ठीक है, ये सारा का सारा वही पेज है यहाँ पे देखिए,
ये सारा इनको इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे कुछ चेंजेस करके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कॉपी, और इसको यहाँ से फाइंड कर लो आप, ठीक है, पेस्ट कर लो। ये रही डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना इंडियन वेब लिख देते हैं, ठीक है, इंडियन वेब, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे जाके अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंटेशन जहाँ पे लिखा है वहां पे हमारा जो ये चेंज हो गया, ठीक है। तो ये वेलकम टेम्पलेट है, ठीक है। चलिए जी, तो मैं इसको दोबारा से अंडू कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो फिर वही आ जाएगा डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन। चलिए अब हम पहले राउट बनाते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब हम बनाते हैं राउट वेब डॉट पीएचपी में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक राउट बनाते हैं कॉपी, और इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट रिकॉर्ड, ठीक है, क्रिएट रिकॉर्ड लिख रहा हूं मैं, ठीक। एक बात और, हम इसको दो चीजों से कर सकते हैं। एक तो हम जब कंट्रोलर बनाएंगे तो उसको हम रिसोर्स कंट्रोलर के साथ भी यूज करेंगे, और जो हम यहाँ से मैन्युअली जो क्रिएट करेंगे राउट्स उसके थ्रू भी हम उसको क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्रेड को। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, क्रिएट रिकॉर्ड्स, क्रिएट रिकॉर्ड रख लो, ठीक है। जब ये क्रिएट रिकॉर्ड यूआरएल पे जाएगा तो हमें यहाँ पे देखिए ये इंडेक्स, आपको सिर्फ व्यू है, ठीक है, तो ये व्यू पास करना है इंडेक्स, ठीक है। तो इंडेक्स अभी हमारे पास जो है वो अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे व्यूज के अंदर ये देखिए वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, यहाँ पे इंडेक्स, ठीक है। अगर आपको व्यू दिखाना है तो आपको सिर्फ उसका जो है, जैसे यहाँ पे वेलकम लिखा है, ठीक है, तो उसको जो पीछे है डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल उसका नेम लिख दीजिए। इसी तरीके से मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ, बट यहाँ पे जो व्यू के अंदर इंडेक्स हमारा अवेलेबल नहीं है। तो चलिए मैं इस राउट को कॉल करता हूँ, तो देखिए क्या एरर देता है कॉपी, और इसको अब यहाँ पे देखिए स्लैश, और इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है, स्लैश लगाने के बाद आपको यहाँ पे जो है वो यूआरएल का नेम दे रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉल किया, ये देखिए अभी कह रहा है व्यू इंडेक्स नॉट फाउंड, यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया व्यू इंडेक्स नॉट फाउंड। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक जो न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई ब्लैंक। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं H1, और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, ओके। तो हम यहाँ पे इसको सेव, और यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास आ गया हेलो वर्ल्ड। चलिए ये हो गया हमारा काम। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक HTML बनाता हूँ, और HTML के अंदर मैं यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करूंगा, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे जो बेस हमारा बेसिक टेम्पलेट होता है, ठीक है, वो है। तो यहाँ पे लारावल, और यहाँ पे इसके अंदर एक डिव बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, तो बूटस्ट्रैप के सीडीएन लिंक्स हम क्या करते हैं यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप के सीडीएन लिंक हम कहाँ से लेंगे, ठीक है, तो वो आपको यहाँ जाना है बूटस्ट्रैप फॉर सीडीएन लिंक, ठीक है। बूटस्ट्रैप फॉर सीडीएन लिंक पे आप जाएंगे तो इंट्रोडक्शंस में आपको जाना है, गेट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम पे जाना है आपको, और यहाँ पे आपको सीडीएन लिंक जो है मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पहले आएगा सीएसएस, इसको कॉपी कर लेना है आपको, तो यहाँ पे ऊपर इसको पेस्ट, ठीक है। और इसी तरीके से हमारी जो जेएस फाइल है इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। जेएस फाइल हम यहाँ पे नीचे लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जेएस फाइल आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारी आ गई जेएस फाइल्स, ओके जी। तो आपको यहाँ पे ऊपर हमारा सीएसएस का मिल गया लिंक, और नीचे हमारे जो जेएस है, ठीक है, उसका लिंक मिल गया, ठीक है, और साथ में हमारा जो जेक्वेरी है वो भी आ गई, ओके। अब चलिए यहाँ पे हम फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ, और उसका नाम कंटेनर रख देते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे उसके अंदर मैं एक और डिव क्रिएट करूंगा, ठीक है, और उसको क्लास देंगे फॉर्म, ठीक है, फॉर्म रख देते हैं। और यहाँ पे उसके अंदर मैं फॉर्म बनाऊंगा, ठीक है जी। तो फॉर्म बना लेते हैं, तो मैं यहाँ से जल्दी जल्दी फॉर्म बना लेता हूँ,
ठीक है, तो आपको भी इस तरीके से फॉर्म बना लेना है। तो इसको आप क्लास दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। बीजी लाइट रख लेते हैं इसकी, बीजी लाइट, ठीक है। और पैडिंग इसकी रख लेंगे 4, और इसकी आईडी भी रख लेते हैं, सॉरी आईडी रख लेते हैं फॉर्म, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ और उसको दे देते हैं क्लास फॉर्म ग्रुप, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस है, अगर किसी को बूटस्ट्रैप नहीं आती तो ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे जो गेट बूटस्ट्रैप है, और आपको यहाँ पे पूरा का पूरा, जैसे यहाँ पे देखिए मैं फॉर्म ओपन करता हूँ, सर्च कर लेना है आपको। यहाँ देखिए फॉर्म्स आ गया, कंपोनेंट्स आ गए इनके फॉर्म्स के, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के इनके फॉर्म्स बने हुए हैं, देखिए ये इनपुट्स हैं, इन्होंने कैसे बनाई है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने इनपुट फॉर्म ग्रुप भी लिया हुआ है, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आके पूरी की पूरी बूटस्ट्रैप को पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं, और इसके बाद हमारी जो इन फॉर्म के अंदर लेबल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेबल फॉर यूजर नेम, ओके यूजर नेम रख लेते हैं, एक तो यूजर नेम ले लेते हैं हम, ठीक है, यूजर नेम। और उसके बाद हमारी जो इनपुट है, ठीक है, इनपुट, ठीक है, जो ये मेरे पास अभी जो ऑटो सजेशंस आ रहे हैं, ठीक है, ये जो प्लगइन्स हैं वीएस कोड में, वो इसके बदौलत मैंने बूटस्ट्रैप का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल किया हुआ है, स्निपेट्स। तो आप भी वहां पे उसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो इसकी टाइप हम टेक्स्ट रखेंगे, और नेम इसका रख देंगे, इस फील्ड का नेम क्या रखेंगे, यूजर नेम। और आईडी, आईडी हम इसकी रखेंगे यूजर नेम, ठीक है जी, यूजर नेम, ओके। तो ये आईडी क्यों रखी, यूजर नेम, और ये 4। अब यहाँ पे एक और चीज समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने 4 4 जो है किसके लिए, यूजर नेम के लिए रखा है, और इसकी आईडी क्या है, यूजर नेम, ठीक है। तो चलिए इसको मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ से सेव करके आपको इंटरफेस इसका दिखा देता हूँ कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार आप इसका इंटरफेस देखिए कैसा है, ठीक है। अगर मैं देखिए यूजर नेम पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर आ गया, ठीक है। जैसे मैं फिर क्लिक करूंगा, ये बोल रहा है जिसको, ठीक है। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो ये चीजें, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आप टिप समझिए, ठीक है। जब कंपनीज में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वो कह देते हैं भी इसको मेरे को करके दो, अगर इस पे लेबल पे क्लिक हो तो इसके इनपुट फोल्ड पे फोकस हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स हैं वो पूछते हैं, ठीक है। अगर मैं 4 को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, तो मैंने अगर यहाँ पे दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो फोकस नहीं हो रहा, ठीक है, इनपुट पे, ठीक है, नहीं हो रहा, ओके। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप 4 को यूज करें तो आईडी सेम उसी नेम से रखें, ठीक है। तो इसको आपको जा से लगा लेना है, ठीक है। तो मैं इसको क्लास दे देता हूँ, ठीक है जी। तो मैं इस इनपुट को क्लास दे देता हूँ फॉर्म कंट्रोल, ठीक है जी। इस पे क्या होगा, थोड़ी सी इसकी जो लुक है वो अच्छी आ जाएगी। गाइस आपको ये बूटस्ट्रैप भी यहाँ पे सीखने को मिल रही है, ठीक है। हम सिर्फ लारावेल नहीं कर रहे, जो लारावेल के साथ और बहुत कुछ यूज करने वाला था वो भी सब ये कर रहा है। यहाँ देखिए इसकी जो कितनी बढ़िया लुक आ गई, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास यूजर नेम के लिए, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ। अब इसका नीचे ले लेते हैं ईमेल के लिए, ओके। तो ईमेल के लिए हो जाएगा इसका, तो ईमेल डालेगा वो, ओके। अब यहाँ पे भी आपको ईमेल देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वेरीफाई कर लेगा, ये उसकी वैलिडेशन है एचटीएमएल की, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी इसको ईमेल कर देते हैं, ओके। तो इसी तरीके से इसको भी ईमेल कर देते हैं, रिफ्रेश, और यहाँ पे हमारे पास ईमेल भी आ गई। अब यहाँ पे क्या करते हैं, उसका मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं, चलिए मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है मोबाइल, यहाँ पे लिख देते हैं मोबाइल, ठीक है जी, और इसको थोड़ा सा कैपिटल कर देते हैं मोबाइल, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे रिफ्रेश, ये हमारे पास मोबाइल आ जाएगा इसका, ओके। तो यहाँ पे नीचे से हम इसका जो लास्ट है वो पासवर्ड,
कॉपी पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो आपको याद रखना है पासवर्ड, पासवर्ड भी यहाँ पे ले लेते हैं पासवर्ड, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, पासवर्ड रिफ्रेश, ओके पासवर्ड के लिए भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए एक चीज और जो एचटीएमएल की है, यहाँ पे अगर टाइप आप पासवर्ड देते हैं तो आपको ये इनविजिबल दिखेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है, दोबारा से रिफ्रेश, तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिखेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पासवर्ड रखना है, पासवर्ड के लिए पासवर्ड टाइप, ठीक है जी। चलिए तो इसको थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, करके देखते हैं मार्जिन टॉप 4, कंट्रोल और ओके परफेक्ट। अब नीचे यहाँ पे देखिए इसका जो बटन वो दे देते हैं, कॉपी इसको करो आप और इसको कट, और यहाँ पे इसकी जो बटन है इनपुट, इसको यहाँ पे बटन कर दो, टाइप इसकी बटन रख दो, सबमिट कर दो, सॉरी इसकी टाइप नेम वो भी हम कर देते हैं सबमिट, आईडी सबमिट। बस तो जो बटन होता है उसका जो नेम देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर आप देना चाहें तो दे सकते, बट ज्यादातर केसेस में हम उसको नहीं लेते, ठीक है। अब यहाँ पे बटन है तो क्लास ये बटन है, बटन इसको दे देते हैं इन्फो, और बटन स्मॉल कर देते हैं btn स्मॉल, btn स्मॉल एंड btn ब्लॉक, ठीक है। देखते हैं क्या लुक आता है, यहाँ पे नेम, ठीक है, तो नेम इसको दे देते हैं सबमिट, कंट्रोल आर, ठीक है। तो देखिए ये हमारा बटन आ गया और ये हमारा फॉर्म आ गया। तो फॉर्म को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम, थोड़ा सा फॉर्म को छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम इसकी क्या करते हैं, जो विड्थ है विड्थ इसको दे देते हैं आई थिंक 50, ठीक है, ये सही रहेगा, सही है। तो इसको क्या कहते हैं मार्जिन ऑटो करके इसको सेंटर में ले लेते हैं, तो ये सेंटर में आ गया। तो अभी ये वर्क नहीं करेगा, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप 4 अभी वर्क नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं इसको यहाँ पे br, ठीक है। तो हम इसको थोड़ी सी शेडो देते हैं, शेडो, ओके, यहाँ पे शेडो भी इसकी जो है वर्क नहीं कर रही, चलिए छोड़िए इसको। तो अभी हमारे पास कितने फील्ड्स हैं, यूजर नेम है, ईमेल है, मोबाइल है, और यहाँ पे जो है पासवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका जो हेडिंग है वो भी ले लेते हैं, ठीक है, लारावल क्रड, ठीक है। कोई इसको कर्ड बोलता है, कोई इसको क्रड बोलता है, ठीक है। लारावल कर्ड, कर्ड और क्रड कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तो इसको दो तरीके से मैंने कई जगह पे देखा, कोई क्रड कह देता है, कोई कर्ड कह देता है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा काम। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एक्शन है, ठीक है, जब हम इसको करेंगे एक्शन, सॉरी जब हम इसको सबमिट करेंगे तो हमारा जो एक्शन है वो कहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पे एक्शन है जो हमारा, सॉरी एक्शन एक्शन है हमारा, वो हम भेजेंगे URL। तो उसको भेजने के लिए हमें भेजना पड़ेगा URL, ठीक है। तो URL हम कौन सा यूज करेंगे, इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट रिकॉर्ड। तो ये हमारे पास जाएगा इंसर्ट रिकॉर्ड पे, ठीक है। तो मैं आपको इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, ये हमारे पास कौन सा जो URL है वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए जब हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे जो ये फॉर्म का एक्शन है वो URL देगा, ठीक है। अब हम इसको डिव के अंदर, हमारे जो ये डिव फॉर्म वाला, देखिए ये अभी दे रहा है इंसर्ट रिकॉर्ड, ठीक है, क्योंकि इंसर्ट रिकॉर्ड जो है
वो यहाँ पे देखिए इंसर्ट रिकॉर्ड है वो हमारा क्या है अभी तक क्रिएट नहीं हुआ यूआरएल, ठीक है। अगर ऊपर देखे तो हम क्रिएट रिकॉर्ड को हमने क्रिएट किया था, ठीक है। अब इंसर्ट रिकॉर्ड है वो हमने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया, ठीक है। तो अगर मैं मान लो इसको हिट कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको अगर हिट करता हूँ तो ये कहेगा यूआरएल नॉट फाउंड, ठीक है जी। ये देखिए ऊपर कहेगा यूआरएल नॉट फाउंड। अब यहाँ पे देखिए ऊपर क्या आ रहा है, पैरामीटर्स आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, बाय डिफॉल्ट ये मेथड है गेट यूज कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, जो अभी अभी आपको भी ये प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक बात जरूर याद रख लेनी है, ठीक है। अब हमारा जो मेथड है, ठीक है, मेथड हम क्या करेंगे, पोस्ट यूज करेंगे, ठीक है जी। तो मेथड हमारा क्या आ जाएगा, पोस्ट, ठीक है, मेथड हम यूज कर लेते हैं पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक इशू और आपको आएगा जब आप फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ और इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे अब आपको एक इशू और जरूर आता होगा जब आप दोबारा से हम यहाँ पे सबमिट करते हैं, ठीक है। अब ऊपर हमारे पास यूआरएल नहीं आएगा कुछ भी, देखिए पैरामीटर्स नहीं आ रहे, बट हमारे पास आ रहा है 404 नॉट फाउंड। अब ये क्यों आ रहा है, ठीक है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो लारावेल है, लारावेल हमें एक SCRF टोकन प्रोवाइड करता है, किसके लिए, फॉर्म्स के लिए, ठीक है। एक टोकन जनरेट करके देता है जिससे हमारा जो है फॉर्म कोई भी इस पे कोई भी वल्नरेबिलिटी कोई भी अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। उस तो अगर वो टोकन अवेलेबल रहेगा तभी हमारा जो फॉर्म है वो वर्क करेगा, अदरवाइज जो हमारा वो है वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो इन्होंने CRF टोकन दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो CRSF, ठीक है, CSRF, ओके, CSRF टोकन, तो ये हमारे पास यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया। और यहाँ पे हम इसको दोबारा से यहाँ पे रिफ्रेश करके और यहाँ पे दोबारा से इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अभी भी नॉट फाउंड बता रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लगता है ये, ओके, चलिए यहाँ से नहीं देखते, हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं हमारे पास एट CSRF, ठीक है, ये रही CSRF प्रोटेक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, अगर आप फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो पोस्ट मेथड के साथ यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है भी टोकन आपको ऐड जरूर कर लेना है, ठीक है। आप दो तरीके से टोकन को ऐड कर लेते कर सकते हैं, एक तो CSRF टोकन इस तरीके से, ठीक है, दूसरा आप इस तरीके से भी, ठीक है, लगा सकते हैं, ओके। तो ये हमारे पास जो है वो दो तरीके हैं टोकन लगाने के, ठीक है। तो मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको एक और तरीका है, अगर आपको इनपुट हिडन रखनी है, ठीक है, अगर कहीं पे आप जैसे अजेक्स है, ठीक है, अजेक्स के साथ भी आपको ये टोकन भेजना पड़ेगा, अगर आप अजेक्स चलाते हैं तो वहां पे भी आपको दिक्कत आएगी, तो आपको वहां पे हिडन फील्ड में इसको टोकन को भी भेजना पड़ेगा दूसरे पेज पे, ठीक है, जहाँ पे इसको आप अपडेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है जी। और आप अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है, ठीक है, वो भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको भी क्या करते हैं हम जो अपने हेडर में लगा लेते हैं, ठीक है, ये भी जरूरी है, इसको आपको यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है, टोकन में। और इसको भी हम यहाँ पे अपने फॉर्म के अंदर लगा लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे इसको क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, CSRF टोकन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मेथड को यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, हमारा मेथड पोस्ट और ये हमारा CSRF टोकन आ गया, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे दोबारा से इस पे चलते हैं, अब यहाँ पे इसको क्या करता हूँ मैं दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब दोबारा से यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे देखिए नॉट फाउंड बता रहा है, क्यों फाउंड बता रहा है, क्योंकि हमारे पास जो है इंसर्ट रिकॉर्ड नाम का अभी तक वो है वो क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है, यूआरएल क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे राउट्स पे चलते हैं, तो एक यूआरएल क्रिएट करते हैं हमारा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे इसको क्या करते हैं पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इंसर्ट हमारा नाम क्या था, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हमारा जो नेम है वो हमने दिया था यहाँ पे यूआरएल पे, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ से इसको
यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, इंसर्ट रिकॉर्ड। अब यहाँ पे आएगा तो हमें यहाँ पे रिटर्न कर देगा क्या, इंसर्ट रिकॉर्ड, जस्ट स्ट्रिंग रिटर्न कर लें, अभी हम डेटाबेस में इसको इंसर्ट नहीं करवा रहे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो चलिए ये हमारे पास आ गया। अब ये देखिए हमारे पास ये पोस्ट में है, ठीक है, पोस्ट मेथड है हमारा, तो हम इसको क्या रहेंगे यहाँ पे पोस्ट, ठीक है, जैसे गेट है, गेट है, ठीक है ना, किसी चीज को हमें दिखाना है, किसी पेज पे जाना है, कुछ रिकॉर्ड शो करने हैं, तो वहां पे हम गेट यूज करते हैं, और यहाँ पे अभी हम इंसर्ट करना है तो पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं, तो पोस्ट यहाँ पे राउट के अंदर पोस्ट आएगा, ठीक है, इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं, ठीक है। दोबारा से बैक जाता हूँ और इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको सबमिट करता हूँ, ठीक है, तो हमें ये ले गया देखिए इंसर्ट रिकॉर्ड पे, ठीक है। तो अभी इंसर्ट रिकॉर्ड पे हमारे पास ये स्ट्रिंग शो हो गए, अभी हमें क्या करना है, ठीक है, एक और चीज मेरी बात समझिए, अभी हमें देखिए यहाँ पे वैलिडेशन नहीं लगाई, वैलिडेशन भी लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक क्रेड नाम से कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे इस URL पे आएगा तो इस कंट्रोलर के अंदर जाएगा, तो इस कंट्रोलर के अंदर जाने के बाद वो क्या करेगा, जो भी हम वहां पे फंक्शन बनाएंगे उस फंक्शन के अंदर जाएगा, फिर वहां पे हम वैलिडेशन लगाने के बाद उसको क्या करेंगे, डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले एक कंट्रोलर बना लेता हूँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना टर्मिनल खोल लेना है, ठीक है, तो मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, और टर्मिनल खोलने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है PHP artisan make colon controller, ठीक है। कंट्रोलर बनाने के लिए आपको ये कमांड यहाँ पे जरूर टाइप करनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स हैं, अगर आपको यहाँ पे किसी कमांड की डिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है, तो आर्टिसन हेल्प लिखेंगे आप यहाँ पे, तो आई थिंक आपके पास यहाँ पे देखिए कमांड्स आ जाएंगी, ठीक है। हाइफन आपको लिखना है यहाँ पे आर्टिसन लिस्ट, ओके, तो मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो आर्टिसन अगर आप लिस्ट भी लिखेंगे यहाँ पे तो आपके पास जितने कमांड्स हैं यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, आपके पास ये देखिए। तो अगर आपको कोई भी कमांड यहाँ पे नहीं पता लग रही क्या किस पर्पज के लिए है, तो आप यहाँ पे देखिए इसको यूज देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे कंट्रोलर बनाएंगे, तो ये कह रहा है क्रिएट अ न्यू कंट्रोलर क्लास, ठीक है जी। तो चलिए हम इसको क्लियर कर देते हैं, अब हम यहाँ पे बनाते हैं मेक कंट्रोलर, कंट्रोलर का नेम क्या रखेंगे, क्रड। अब यहाँ पे देखिए इसको कैपिटल में रखना है, जो भी पहला लेटर होगा उसको कैपिटल में रखना है, ठीक है, क्रड कंट्रोलर, क्रड, अब देखिए क्रड और कर्ड, कर्ड कंट्रोलर, ठीक है। तो हिट एंटर करेंगे तो हमारे पास जो कंट्रोलर है वो बना के दे देगा, ठीक है, यहाँ पे मैसेज आ गया कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुल, इसको हाइड कर देते हैं। अब वो आएगा कंट्रोलर कहाँ पे आएगा, हमारे पास हमने मैंने आपको बताया था हमारे पास एक ऐप, ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स नाम का एक फोल्डर है, यहाँ पे देखिए हमारे पास फोल्डर हमारा कंट्रोलर आ गया कर्ड कंट्रोलर .php, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, तो फंक्शन कैसे बनाएंगे, तो आपको लिखना है फन, ठीक है, ये मेरे केस में आपको यहाँ पे लिखना है पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पे देखिए जो फंक्शन का नेम है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इंसर्ट इंसर्ट रिकॉर्ड, ठीक है। तो ऐसा करते हैं मैं ना आपको जो रिसोर्स कंट्रोलर है, ठीक है, रिसोर्स कंट्रोलर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो रिसोर्स कंट्रोलर जब आप बनाएंगे तो वो क्या करेगा, आपको जो बने बनाए फंक्शंस दे देगा, ठीक है, तो उससे आपको क्या होगा और भी आसानी होगी। तो चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ आपको रिसोर्स कंट्रोलर कैसे बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखिए लिखना सेम वही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो कर्ड है इसको वन कर देता हूँ, सॉरी इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ वन लिख देते हैं, ठीक है, पर नहीं हम यहाँ पे देखिए जो भी इंटीजर है वहाँ यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये बैड प्रैक्टिस है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख देना है कर्ड न्यू कंट्रोलर लिख के, और यहाँ पे आपको क्या करना है हाइफन हाइफन रिसोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको हाइफन हाइफन रिसोर्स लिख देना है, तो आपके पास एक जो रिसोर्स कंट्रोलर है उसके अंदर सारे के सारे फंक्शंस आपको बने बनाए मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एंटर हिट कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर हिट कर देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए रिसोर्स कंट्रोलर आ जाएगा, कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, भी क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कर्ड न्यू कंट्रोलर है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इन्होंने क्या किया है, जो देखिए पहले इंडेक्स फंक्शन है, ठीक है,
इंडेक्स फंक्शन है। अब यहाँ पे देखिए क्रिएट फंक्शन है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए एक स्टोर फंक्शन है, और यहाँ पे शो, जैसे हम लिस्ट दिखाते हैं, मान लो रिकॉर्ड बहुत सारे हैं उसकी लिस्ट दिखानी, तो शो के लिए यहाँ पे यूज होगा। एडिट करना है, ठीक है, एडिट पे ले जाएगा, फिर अपडेट को कॉल करना है, फिर डिस्ट्रॉय करना है, उसको डिलीट करना है। तो ये इनबिल्ड रिसोर्स कंट्रोल जब बनाते हैं तो ये इनबिल्ड हमारे पास फंक्शन दे देता है, ठीक है। तो अभी चलिए क्या करते हैं, किसको यूज करें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो खुद से बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे हमारे पास बने बनाए हैं, तो चलिए रिसोर्स कंट्रोल को यूज कर लेते हैं, हमारा भी टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है, डोंट सेव, और इसको क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट हो गया। और जो क्रड कर्ड न्यू बनाया है, इसको रीनेम करके हम क्या कर लेते हैं, कर्ड कंट्रोलर डॉट पीएचपी, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, ध्यान रखिए जब भी आप किसी भी फाइल का जो भी नेम है उसको अगर आप चेंज करते हैं तो आपको उसकी क्लास का नेम भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है, वरना वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब ये बन गया, अब हम क्या करते हैं, देखिए इंडेक्स, तो सबसे पहले हमें, मैं आपको ये भी चेंज करके दे देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे देखिए, देखिए हमने क्या कहा, अगर यूआरएल में आए क्रिएट रिकॉर्ड तो हमें क्या ये वाला व्यू दिखा दे। अब हमें यहाँ से रिटर्न नहीं कराना, अब हम जाएंगे, अब हम एमवीसी पैटर्न यूज करेंगे, अब हम जाएंगे कंट्रोलर पे, अब यहाँ पे हम कंट्रोलर को कॉल करेंगे, ठीक है, कंट्रोलर को कॉल करेंगे, वो यहाँ पे आएगा, जब वो इंडेक्स को इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जब इस फंक्शन के अंदर आएगा तो हमें यहाँ से व्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है, सॉरी ये वेलकम वाला हो गया, इसको नहीं करना था, इसको करते हैं यहाँ पे, इसको क्या करते हैं कट कर देते हैं यहाँ से। अब मैं यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है, कंट्रोलर का, मेरे कंट्रोलर का नेम क्या है, कर्ड कंट्रोलर ठीक है, इसके अंदर इस फंक्शन इंडेक्स फंक्शन को कॉल करना है हमने, ठीक है। अब मैं कहता हूं मैंने जब इस यूआरएल को हिट करना है क्रिएट रिकॉर्ड वाले को, तो मैं कर्ड इंडेक्स वाले पेज पे जाऊं, ठीक है जी, तो मैं यहां पे जाऊंगा, ठीक है। अगर देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, यहाँ पे इंडेक्स, अगर आपको देखिए इंडेक्स पेज पे जाना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देखिए उसको व्यू दिखा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे इन्होंने क्रिएट के लिए आपको दिया है, ठीक है। हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं व्यू करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट के लिए भी दिया हुआ है और यहाँ पे इंडेक्स के लिए दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जो हमारा देखिए इसको ऐसे रहने देता हूँ, हम जो क्रिएट रिकॉर्ड है उसको क्या करते हैं, क्रिएट वाले फंक्शन को कॉल करते हैं, इंडेक्स को कॉल नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स को अगर कॉल करेंगे तो वो ब्लैंक मतलब दिखा तो देगा बट वो परफेक्ट नहीं रहेगा, तो क्रिएट है तो क्रिएट फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट फंक्शन को कॉल करेंगे, सेव कर देता हूं इसको, और यहाँ पे अगर जब हम आएंगे तो क्रिएट, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने जो फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे गेट फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे यूआरएल आया और इस फंक्शन को वो कॉल कर लेगा। अब देखिए मैं दोबारा से इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे बैक जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मैं देखिए हिट करूंगा इसको, अगर मैंने यहाँ पे इसको हिट किया, अब ये कह रहा है जो कंट्रोलर है, आपने कंट्रोलर वहां पे राउट्स में ऐड तो कर दिया बट वो कंट्रोलर है इसको नहीं मिल रहा, ठीक है, ये भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, ठीक है, इसको समझ लीजिए, ये इस एरर को कैसे हैंडल करना है आपको, ठीक है। टारगेट क्लास, वो कह रहा है टारगेट क्लास क्रड कंट्रोलर डस नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, अगर आप राउट्स में यूज कर रहे हैं, ठीक है, अब इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये एरर आपको फेस करने को मिलेगी मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी इसका नेम बना हुआ है, नेम स्पेस यहाँ पे बनी हुई है इसकी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये नेम स्पेस बनी इसकी कंट्रोलर्स, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको यूज कर लेना है इसको, ठीक है, अब यूज कर लिया। अब मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, यूज किया, अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो अभी भी कह रहा है टारगेट कंट्रोलर नॉट फाउंड, क्यों, क्योंकि हमने इसका जो नेम है वो नहीं दिया, ओके, तो हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, ये दे देते हैं, ठीक है, कर्ड कंट्रोलर, कंट्रोलर्स के अंदर, अगर आप कंट्रोलर्स नहीं लिखना है तो आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर ये भी वर्क नहीं करता आपका, ठीक है, चलिए एक बार इसको करके देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब भी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसको अगर अंडू करते हैं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे करते हैं,
ठीक है, तो अगर फिर भी वर्क नहीं करता, ठीक है, तो आपको क्या करना, आपको इसको यहां से उठाना है, ओके, और यहाँ पे क्या कर देना है, इसको पेस्ट ऐप कंट्रोलर्स, ठीक है। अब ऐप HTTP अंदर, अब ऐप के अंदर आपको ये HTTP देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ऐप के अंदर क्रड, तो यहाँ पे इसको और रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये बोल देगा ऐप क्रड डस नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा, क्योंकि जो इसका पाथ है वो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं, अगर चलिए अब यहाँ पे देखिए सॉल्व नहीं हो रहा इशू, तो इसको क्या करते हैं, हम चलते हैं इस पे, इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। तो डॉक्यूमेंटेशन में हम राउट्स खोलते हैं, ठीक है, राउट्स, ओके। तो यहाँ पे देखिए आप राउट्स को खोलिएगा, अब यहाँ पे आपको बताएगा, ठीक है, भी आपको कैसे यहाँ पे जो कॉल करने हैं कंट्रोलर्स कैसे कॉल करने हैं, और यहाँ पे देखिए उसके फंक्शंस कैसे कॉल करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई होगा इश कंट्रोलर्स, ओके, एक मिनट, यहाँ पे राउट्स पैरामीटर्स, ठीक है, यहाँ पे राउट्स पैरामीटर्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉल करना है, और आपको यहाँ पे जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया, एक तरीका और यूज किया है, ठीक है, नेम ड्राउट आ गए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, देखिए उसके अंदर उन्होंने एक जो एरे बना दिया है, ठीक है, इसको कॉपी। अब यहाँ पे देखिए काफी सारे आपको जो तरीके वो मिल जाएंगे, इन्होंने क्या किया यहाँ पे इसको इस तरीके से इन्होंने इसे यूज कर लिया। हमारे पास जो कंट्रोलर है, हमारे कंट्रोलर का नाम क्या है, क्रड कंट्रोलर, कर्ड, ठीक है। तो हमारे पास कर्ड कंट्रोल, उसके अंदर फंक्शन कौन है, कौन सा है, क्रिएट, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए अभी भी कह रहा है हमारे पास जो क्लास कर्ड कंट्रोल डस नॉट एग्जिस्ट। तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पे रिफ्रेश करके अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, क्रिएट रिकॉर्ड पे लेके चलते हैं, तो ये एरर दे रहा है हमें, टारगेट क्लास नॉट फाउंड, ठीक है। तो हो सकता है हमारी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो, ठीक है, तो हमें वो चेक कर लेनी चाहिए पहले। तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे एक और हमारे पास इन्होंने दिया होगा सॉल्यूशन, तो उसको यहाँ पे फाउंड करते हैं सॉल्यूशन को, ठीक है, तो वो भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए अब देखिए वो कह रहा है अभी इस तरीके से, देखिए यूजर कंट्रोलर हमने यहाँ पे देखिए जो उन्होंने पहले यहाँ पे लगाया है, ठीक है, लगाने के तरीके मैंने आपको पहले बताया था, बट आपको देखिए ऊपर उन्होंने क्या किया, यूज जो कंट्रोलर्स का नाम है वो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही बात है, हमने वहां पे ऊपर कमेंट कर दिया, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं, हमने क्या किया यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया, ठीक है, कर्ड कंट्रोलर यूज कर लिया, ठीक है, और उसका फंक्शन भी यूज कर लिया, बट यहाँ पे जब यूज करना था तो उसको क्या किया यहाँ पे कमेंट कर दिया, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है, तो अभी यहाँ पे चल जाना चाहिए हमारा जो ये, अभी ये एरर रिमूव हो जानी चाहिए यहाँ से। दोबारा से इसको हिट कर देते हैं यहाँ पे, तो ओके ओके ओके, तो यहाँ से इसको हमने यहाँ पे लगा दिया था, इसको यहाँ पे रिमूव कर दो, ठीक है, और दोबारा से इसको हिट कर देते हैं यहाँ पे, अभी लोडिंग ले रहा है, ठीक है।
और नीचे आपको यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंटेशन में काफी कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप मॉडल को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो मॉडल्स के अंदर जो आपका जो भी मॉडल बना हुआ है, ठीक है, उसको आपको इस तरीके से यूज कर लेना है। जैसे इन्होंने देखिए यूजर्स को यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है, तो इस तरीके से नीचे जो इन्होंने फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये देखिए क्रिएट रिकॉर्ड्स हमारा चल गया, ठीक है। बट अभी क्या हुआ, वो ब्लैंक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया क्रिएट पे, तो यहाँ पे ब्लैंक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो हमने व्यू वहां पे रिटर्न किया था इस फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, रिटर्न व्यू, ठीक है। तो रिटर्न व्यू क्या करेंगे हम, इंडेक्स, ठीक है, तो इंडेक्स व्यू रिटर्न कर देते हैं हम यहाँ पे, हमारा फॉर्म पे चला जाएगा। तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, देखिए हम आगे, अब हम क्या किसके थ्रू आए, आए हम मॉडल के थ्रू आए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको कॉल किया, तो आप ठीक है, जो मैंने वो तरीका बताया था ना, आप ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप बहुत सारे तरीके हैं इसको यहाँ से कॉल करने के, जिस तरीके से मर्जी आप इसको कॉल कर सकते हैं। बट आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको देखिए कंट्रोलर के अंदर फंक्शन यूज करना है, तो एट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो एरे इसको रिमूव कर दो, ठीक है, तो इसको कॉपी, और इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो सेम आउटपुट हमें मिलेगी। तो आई थिंक इसको पूरा पाथ चाहिए यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे ये अभी भी एरर दे रहा है जब हमने वहां पे रिमूव कर दिया, बट क्योंकि ये फर्क, ये फंक्शन जो ये पैटर्न लिखने का, ये भी वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं दोबारा से अंडू, ठीक है, आई डोंट नो, बट हम ज्यादातर जब भी यूज करते हैं, मैं खासकर मैं जब भी यूज करता हूँ, तो मैं इस तरीके से नहीं यूज करता, मैं उस तरीके से ही यूज करता हूँ, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, अगर हमारा ये वर्क कर रहा है तो हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हमारे पास आ गया, अब यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास ये तो फॉर्म आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे जब क्लिक कर रहे हैं, तो हमारे पास जो जा रहा था क्रिएट रिकॉर्ड पे, तो अभी यहाँ पे देखिए क्रिएट रिकॉर्ड, फिर उसी तरीके से हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉपी करते हैं, और इसको इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे इसको पेस्ट। अब हमें जाना है स्टोर पे, STOR पे, स्टोर पे, ठीक है। क्या फंक्शन है हमारा इसके अंदर, स्टोर फंक्शन है, यहाँ पे देखिए स्टोर फंक्शन है, ठीक है जी। तो हम स्टोर पे आएंगे, तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है, ब्लैंक ही मिलेगा क्योंकि इसके अंदर अभी कुछ नहीं हमारे पास, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, अब जब मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो मैं ब्लैंक देगा, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं है। इंसर्ट रिकॉर्ड पे आ गया, ठीक है, तो हम इंसर्ट रिकॉर्ड पे आ जाते हैं। तो चलिए हमारे पास इस स्टोर फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो देखते हैं क्या क्या पैरामीटर हमें हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो पैरामीटर चेक करने के लिए हमारे पास जो होता है उसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट हमारे पास एक इन्होंने इनबिल्ड फंक्शन बनाया हुआ है, जो रिक्वेस्ट जो भी आएगी, चाहे वो गेट से आ रही है, पोस्ट से आ रही है, ठीक है, क्या पैरामीटर्स आ रहे हैं, अगर पोस्ट से आ रही है तो क्या पैरामीटर आ रहे हैं, ठीक है। तो उस पर चेक करने के लिए हमारे पास ये फंक्शन इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, डीडी डाई एंड डम्प, डम्प के अंतर लगा के इसको सेव। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो देखते हैं क्या क्या पैरामीटर आ रहे हैं हमारे पास। तो देखिए हमारे पास जो हमारा टोकन था, ठीक है ना, टोकन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था CSR टोकन लगाया हमने, ठीक है, वो टोकन आ रहा है। और उसके बाद हमारे पास यूजर नेम नल आ रहा है, ईमेल नल आ रही है, मोबाइल नेम नल, क्योंकि हमने कुछ वहां पे फिल नहीं किया। चलिए कुछ फिल करके यहाँ पे भेजते हैं, ठीक है, डमी डेटा भेजते हैं, ठीक है, अभी जाएगा नहीं क्योंकि ये ईमेल है, ठीक है, देख लेना वैलिडेट करेगा। देखिए ये HTML का वैलिडेशन है, ठीक है, इसको मैं एक बार रिमूव कर ही दूंगा बाद में, क्योंकि जब हम टेस्ट करेंगे तो बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब हम यहाँ पे देखिए सबमिट करते हैं, तुम्हारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, और ये आ रहा है, ठीक है। तो जो वैल्यूएस हैं वो हमारे पास आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें वैलिडेशन लगानी है, ठीक है। तो वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, ठीक है, अगर वो कोई मान लो यूजर नेम है वो नल है, तो उसको कैसे वैलिडेट करना है, ईमेल है नल, उसको वैलिडेट कैसे करना है, वो ईमेल ही होनी चाहिए, ठीक है, उसको कैसे वैलिडेट करना है, ठीक है। तो चलिए सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेव करने से पहले मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन पे ले चलता हूँ, यहाँ पे देखिए हम वैलिडेशन देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले बताऊं कि हम यहाँ से ही आपके जो डाउट्स हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वैलिडेशन पे आए थे, वैलिडेशन इंट्रोडक्शन है हमारे पास, तो उसके इंट्रोडक्शन जब हम करेंगे तो यहाँ पे नीचे आएंगे, ठीक है, और नीचे आएंगे, ठीक है, ये यहाँ पे भी इन्होंने सेम एस्ट्रिक्स यूज किया हुआ है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा रिसोर्स कंट्रोलर है, इन्होंने इसी तरीके से यूज किया। अब स्टोर, अब वैलिडेशन स्टोर अब लॉग, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने पूरा आर्टिकल बना के रखा है, राइट अ वैलिडेशन लॉजिक। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास जो इनका दिया होता है ना, जो हम एक रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, रिक्वेस्ट जब मान लो कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, तो उसमें अगर जो भी हम उस रिक्वेस्ट को वैलिडेट करेंगे, रूल्स लगाएंगे उस पर, तो उसके अकॉर्डिंग वो रिक्वेस्ट वैलिडेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो वैलिडेशन के लिए, ठीक है। वैलिडेट यहाँ पे करेंगे स्टोर पे आए, ठीक है। तो इन्होंने कहा है जो रिक्वेस्ट पे वैलिडेट करना है, किसको, टाइटल आ रहा है, जो भी आ रहे हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है, उसको वैलिडेट करना है, बॉडी को वैलिडेट करना है। अब यहाँ पे देखिए, टाइटल उसने कहा है रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड होना चाहिए मतलब नल नहीं होना चाहिए। अब जो टाइटल, जैसे हमारा यूजर नेम है, ठीक है, यहाँ पे हम यूनिक रखेंगे, इन्होंने पोस्ट रखी है, हम रखेंगे यूजर नेम मैक्स। मैक्स कितना नेम होना चाहिए, नेम मैक्सिमम 25 इनफ, ठीक है। तो मैक्स हम रखेंगे 25 इनफ है, ठीक है। अब जो ईमेल आएगी, ठीक है, वो भी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। इस तरीके से हमारे जो पैरामीटर्स है वो रिक्वायर्ड होने चाहिए। तो चलिए इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास टाइटल नहीं आ रहा, हमारे पास क्या आ रहा है, हम उसको वैलिडेट करते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है, यूजर नेम आ रहा है जी, ठीक है। तो हमारे पास यूजर नेम है, रिक्वायर्ड है, यूनिक होना चाहिए। किससे होना चाहिए, हम यूजर्स, देखिए हमारे पास यूजर्स नेम से एक जो क्या है, माइग्रेशन बनी हुई है, ठीक है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कहीं वो हमारे वहां से जो हम टेबल बनाएंगे कंफ्लिक्ट ना करे उससे। तो हम यूजर्स टेबल्स में आते हैं, तो यूजर्स टेबल्स में हम देखते हैं उसकी आईडी है, ईमेल है, ठीक है, और यहाँ पे उसका जो मोबाइल नंबर है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो मोबाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं, एक अनदर टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो हम उसको अनदर टेबल अभी बनाएंगे, ठीक है। तो उसका नेम मैं पहले यहाँ पे रख देता हूँ, टेस्ट, आई थिंक टेस्ट यूजर्स, ओके। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रखा हूँ, प्लूरल रख रहा हूँ, टेस्ट यूजर्स, ठीक है। तो टेस्ट यूजर्स रखना है और नेम आपको रखना है इनाफ 25 मैक्स। अब इसी तरीके से जल्दी जल्दी दूसरी फील्ड्स को भी वैलिडेट कर लेते हैं, ठीक है। ईमेल है, कॉपी, और इसको यहाँ पे ईमेल को ईमेल कर देते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास कॉपी, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ईमेल है, जो रिक्वायर्ड तो है बट वो क्या है, ईमेल होनी चाहिए। देखिए अब दो तरीके से वैलिडेट होगी, एक तो हमारे पास जो एचटीएमएल है वो वैलिडेट कर रहा है, ठीक है। दूसरा आप यहाँ से हमारे जो लारावेल की वैलिडेशन है वो वैलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको कोई नहीं, दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल स्मॉल है, ठीक है। यहाँ पे भी पेस्ट रिक्वायर्ड, और अब देखिए वैलिडेशन रूल्स, ठीक है। अभी हमें मोबाइल को वैलिडेट करना है, पहली बात तो ये क्या होने चाहिए, ठीक है, नंबर्स होने चाहिए, नम और नंबर, ठीक है जी। चलिए हम इसके रूल्स भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पोस्ट यूनिक्स मिक्स बेल्स, यहाँ पे इसका बेल्स एक फंक्शन होता है, उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो तो किसके लिए यूज होता है, ठीक है, ओके। ये इसके रूल्स लगे हुए हैं, ठीक है, और ये एरर्स कैसे डिस्प्ले करवानी है, ठीक है, ये भी डिस्प्ले करवाएंगे, उसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे नलेबल भी आ जाएगा, अगर आपको किसी को नलेबल रखना है, ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट जो क्रिएट करेगा, ये रूल्स आ जाते हैं उनके, ठीक है, अनदर फाइल्स के, ये भी यूज करेंगे हम इसको, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो रूल्स हैं यहाँ पे नीचे डिफाइंड होने चाहिए इनके, आई थिंक होने चाहिए रूल्स, यहाँ पे इनके रूल्स होंगे, आई थिंक अवेलेबल वैलिडेशन रूल्स के, यहाँ पे हमारे पास इंटीजर और न्यूमेरिक, न्यूमेरिक देखते हैं, पासवर्ड 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 के लिए न्यूमेरिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बहुत सारे इनके फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ से इनको स्टडी कर लेना है, ठीक है। अगर एरे है तो आप एरे की तरह इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए इसको क्या करता हूँ, जो हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, जो मोबाइल है इसको नंबर दे देते हैं, ठीक है, और इंटीजर भी आप दे सकते हैं, ठीक है, इंटीजर भी आप दे सकते हैं। और मैक्स कितना होना चाहिए, मैक्स अकॉर्डिंगली इंडिया, ओके। तो
यहाँ पे लास्ट हमारा है पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड देखिए, पासवर्ड जो क्रिएट होगा ना हमारा, वो जो बाय डिफॉल्ट होता है, जैसे पासवर्ड हम इंसर्ट करेंगे तो वो देखते हैं, चलिए वो भी कंसेप्ट आपका क्लियर करते हैं, ठीक है। देखते हैं पासवर्ड को जब इंसर्ट करवाएंगे तो देखते हैं वो इंक्रिप्ट जा रहा है या फिर सीधा ही जो है सिंपल टेक्स्ट में जा रहा है, ठीक है, वो भी देखते हैं। चलिए तो पासवर्ड को रिक्वायर्ड रखते हैं एक बार, ठीक है। चलिए पासवर्ड को रिक्वायर्ड रखते हैं, ओके। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे कर देते हैं और चलते हैं वहां पे ऊपर हमारे वैलिडेशन पे। और यहाँ पे हमारी वैलिडेशन, ठीक है, यहाँ पे हमारी जो वैलिडेशन है ये रही, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी तरीके से भी इनको यूज कर सकते हैं। देखिए एरे में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बगैर एरे के भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी वैलिडेशन हो गई, ठीक है जी। चलिए हमारी वैलिडेशन, अब यहाँ पे एरर्स एरर्स भी दिखानी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। वैलिडेट, ओके, वैलिडेट होगी रिक्वेस्ट हमारी। तो यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, इसको बैक चलते हैं और इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। तो अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए उसने क्या किया, उसी पेज पे हमें रिडायरेक्ट कर दिया, मतलब कि वो कह रहा है अभी वैलिडेशन आ रही है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जो इसके, देखिए एरर, अब एरर शो करवानी, ठीक है, अभी एरर तो शो करवानी पड़ेगी वैलिडेशन की। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने हमारे पास एक फंक्शन दिया है, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे क्या करो, इसको यहाँ पे आपका जो इंडेक्स फाइल है यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है अभी अगर एनी कोई भी एरर है, ठीक है, कोई भी एरर है उसको वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा दे, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश। अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, सबमिट करता हूँ। जब मैंने यहाँ पे इसको सबमिट किया, अब देखिए हमारे पास एरर्स आ रही हैं, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, मोबाइल फील्ड इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड फील्ड ऑल्सो इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो यूजर नेम है, ठीक है, यूजर नेम हम डाल देते हैं, कोई भी डाल देते हैं, जैसे टेस्ट यूजर नेम डाल देते हैं, ईमेल, ठीक है, जो मोबाइल है उसको एक बार क्या करते हैं स्ट्रिंग्स डाल के देखते हैं, और नंबर जो पासवर्ड है पासवर्ड को भी डाल देते हैं कुछ भी, ठीक है। ईमेल्स है जो हमारी, उसको एक बार मैं सबमिट करता हूँ तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। ओके 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 ओके, वो कह रहा है टेबल यूट्यूब लारावेल टेस्ट यूजर्स डस नॉट एग्जिस्ट, ओके, वो वैलिडेट कर रहा है इससे, ठीक है, वो वैलिडेट कर रहा है इससे टेस्ट यूजर्स थे। या अब यहाँ पे देखिए आपको वैलिडेशन डेटाबेस से डेटा निकाल के उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब वो कह रहा है अभी उसको जो यूनिकनेस है वो नहीं मिल रही यूजर नेम की, यूजर नेम पहले तो रिक्वायर्ड है क्योंकि पहले रिक्वायर्ड वर्क करेगा, अब रिक्वायर्ड में हमने डाल दिया था डेटा, अब वो चेक करेगा यूनिक किसमें से करेगा, इस टेबल में से टेस्ट यूजर्स में से चेक करेगा, टेस्ट यूजर्स को हमने क्रिएट नहीं किया तो इसलिए वो एरर दे रहा है, ठीक है जी। तो चलिए एरर दे रहा है, तो इसको अभी क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे एक एरे बनाते हैं, अभी हम डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे अभी हमें डेटा को इंसर्ट करवाना है डेटाबेस में, तो एरे क्रिएट कर लेते हैं और डेटा नाम से एक क्रिएट कर लेते हैं और एरे में हम डाल लेते हैं, ठीक है। एरे बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास जो यूजर नेम है, ठीक है, सबसे पहले पहले तो टेबल क्रिएट करते हैं, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, पहले टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, माइग्रेशन बनाते हैं। अब देखिए सबसे पहले अभी टेबल क्रिएट करना है डेटाबेस में, तो हम सबसे पहले हमें माइग्रेशन बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल ओपन करता हूँ और माइग्रेशन बनाता हूँ, ठीक है। तो माइग्रेशन बनाने के लिए हमारे पास कमांड जो है पीएचपी आर्टिसन माइग्रेशन, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो पीएचपी आर्टिसन माइग्रेशन कमांड है वो क्या करती है, मेक माइग्रेशन, मेक आपको लिखना है, अगर कोई भी चीज आपको क्रिएट करनी है तो आपको लिखना है मेक
मेक माइग्रेशन और क्रिएट, ये आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट, क्या क्रिएट करना है, टेस्ट यूजर्स प्लूरल, ठीक है टेस्ट यूजर्स। अब टेस्ट यूजर्स क्या है, टेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको माइग्रेशन क्रिएट करनी है, ठीक है। तो माइग्रेशन हमारी कैसे क्रिएट होगी, पीएचपी आर्टिसन मेक माइग्रेशन क्रिएट टेस्ट यूजर टेबल, ओके। अब आपको एंटर हिट कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास एक माइग्रेशन बनेगी, तो माइग्रेशन देखिए क्रिएट हो रही है, ठीक है। माइग्रेशन क्रिएट हुई, कहां पे क्रिएट होती है माइग्रेशन आपको, ठीक है ये देख लेना है। यहाँ पे देखिए डेटाबेस के अंदर, यहाँ पे हमारे पास एक माइग्रेशन का फोल्डर है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पहले माइग्रेशन बनी हुई है, ठीक है, ये तो पहले ही डेटाबेस में इंसर्ट है, ठीक है। इनकी एंट्री भी वहां पे माइग्रेशन टेबल में इंसर्ट है। अब ये तो न्यू है, टेस्ट यूजर्स नाम से एक टेबल बना है, ये तो न्यू है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास, अब देखिए ये हमारे पास टेस्ट यूजर्स आएंगे। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, जैसे अब सीधे ही हमने जो MySQL में अगर टेबल बनाना होता तो हम क्या करते, इसी तरीके से फील्ड का नेम देते, ठीक है। और हमारा अगर क्वेरी लिखनी होती तो क्वेरी लिखने के लिए इस तरीके से हमारा जो टेबल है वो क्रिएट होता, ठीक है। आईडी की आईडी आ जाती, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमने क्या लेना है, यूजर नेम लेना है। तो यूजर नेम हमारा क्या है, स्ट्रिंग्स में आना चाहिए, ठीक है। स्ट्रिंग क्या, यूजर नेम, ठीक है, कॉमा, इसको कॉपी कर लो, ठीक है, पेस्ट। और उसके बाद हमारा क्या था, इसको कॉपी पेस्ट पेस्ट, ओके, इसको कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास जो ईमेल है, सॉरी, इसको ये भी स्ट्रिंग्स में आएगी, ठीक है, ईमेल भी हमारी स्ट्रिंग्स में आएगी। और हमारा जो मोबाइल है वो रहेगा इंटीजर, ठीक है, इंटीजर मोबाइल, ठीक है जी। और उसके बाद जो हमारे मोबाइल के पास पासवर्ड है, पासवर्ड पासवर्ड सॉरी, ये भी हमारा स्ट्रिंग है। पासवर्ड को देखेंगे वो कैसे हैश में इंसर्ट कर रहा है या फिर जो सीधे हमारा टेक्स्ट है उसमें इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो देखेंगे स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है। चलिए अब जो ये टाइम स्टैम्प है, ये टाइम स्टैम्प क्या करेगा, टाइम स्टैम्प क्या करेगा, जो क्रिएटेड एट, जैसे हम लिखते थे क्रिएट कब हुआ है, ठीक है, फिर वो अपडेट कब हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट दोनों को ऐड कर देगा, ठीक है। चलिए ये हमने क्या किया, ये हमने एक सिग्मा क्रिएट कर लिया, ठीक है, इसको बोलते हैं सिग्मा, ठीक है, ये सिग्मा क्रिएट हो गया। चलिए तो स्ट्रिंग हमारा यूजर नेम है, ईमेल आ गई हमारी, इंटीजर हमारा मोबाइल नंबर है, और स्ट्रिंग से हमारे क्या है, पासवर्ड है, ठीक है। चलिए अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसको क्रिएट कर दिया, अब हम इसको माइग्रेट करेंगे, ठीक है। जब हम इसको माइग्रेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली, अभी तो ये सिग्मा क्रिएट माइग्रेशन जो बनती है वो हमें सिग्मा प्रोवाइड करती है, उस सिग्मे में हमें जो जो फील्ड चाहिए उसकी कौन कौन सी टाइप चाहिए वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इस सिग्मा को अगर आप यहाँ पे भी सर्च करेंगे ना, यहाँ पे भी, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप डेटाबेस का वर्क करेंगे, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको इसको इस तरीके से लिख लेना, अब इसको माइग्रेट करना है बाद में। तो माइग्रेट कैसे करना है, तो उसी तरीके से माइग्रेट जो हमने फर्स्ट टाइम किया था, सॉरी इसको क्या हुआ, अच्छा तो मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं। अब यहाँ पे देखिए हमें इसको माइग्रेट करना है, माइग्रेशन तो बन गई एक नहीं, तो माइग्रेट, तो इस तरीके से आपको जो पहली बार हमने किया था तो इस तरीके से उसको माइग्रेट कर देना। तो मैं इसको माइग्रेट कर देता हूँ, तो ठीक है, ये न्यू एक माइग्रेशन बनी है तो उसको माइग्रेट कर देगा, ठीक है। देखिए हमारे पास जो माइग्रेट बनी थी तो उसको माइग्रेट कर दिया, ठीक है। अब मैं दोबारा से अगर इसको माइग्रेट करूंगा, ठीक है, तो देखिए क्या कहेगा, नथिंग टू डू, नथिंग टू माइग्रेट, ओके, इस तरीके से ये वर्क करता है। तो चलिए डेटाबेस में देखते हैं, हमारे पास ये हमारा जो यूजर, सॉरी हमारा जो यूट्यूब लारावल नाम से एक बना हुआ था डेटाबेस। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास देखिए टेस्ट यूजर्स आ गया, टेस्ट यूजर्स आ गया, तो उसके अंदर देखते हैं फील्ड हमारी आ गई, देखिए यूजर नेम आ गया, ईमेल आ गया, मोबाइल और पासवर्ड, देखिए बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड ऐड है और अपडेटेड ऐड दोनों आ गया। अब इसकी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, स्ट्रक्चर में क्या है, तो स्ट्रक्चर में क्या है, देखिए स्ट्रक्चर जो हमने वहां पे दी थी वही जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इनकी जो टाइप है वो वहीं पे आएगी, ठीक है। देखिए आईडी थी, आईडी हमने जो बाय डिफॉल्ट जो देखिए माइग्रेशन होती है इसकी जो आईडी लेता है, ठीक है,
आईडीए क्या रखता है, ये बिग इंटीजर रखता है, ऑटो इंक्रीमेंट रहे साथ में, देखिए ऑटो इंक्रीमेंट, अगर हमें एसक्यूएल में लिखना था तो साथ में स्पेशल स्पेसिफाई करना पड़ता था ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद लगा देता है। इसी तरीके से यूजर नेम है, ठीक है, यूजर नेम हमारा क्या है, स्ट्रिंग वेरकर है, और जो हमारा क्या है ईमेल है वो वेरकर है, मोबाइल इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर हम 11 लेंगे, और इस तरीके से पासवर्ड भी हमारा वेरकर है, और ये क्रिएटेड एरो टाइम स्टैम्प है, ठीक है, ये करंट टाइम स्टैम्प लेगा, ठीक है, ओके जी। चलिए ये हो गया हमारा माइग्रेशन का काम। अब देखिए, अब हम अगर यहाँ पे देखिए, अब इसको क्या करते हैं, मैं इसको क्या करता हूँ, फॉर्म पे चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है इसमें, ठीक है, मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पे जो आईडी है कंट्रोल डी 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 डी, ओके, ये फील्ड्स हैं, तो साथ में इनके क्या करता हूँ मैं यहाँ पे ना इनकी जो वैल्यू है, क्योंकि वैल्यू मैं ये बताता हूँ आपको क्यों रखनी है वैल्यू, ओल्ड, इसको क्या करो ओल्ड, ठीक है, ये ओल्ड ले लिया आपने, और इसका जो नेम है वो आप रख लो ओल्ड, जो यूजर नेम है इसको यूजर नेम दे दो, ठीक है, और जो यहाँ पे आपकी ईमेल है इसको ईमेल दे दो, क्योंकि जब देखिए जब ये ओल्ड इसलिए मैं दे रहा हूँ, जब वो क्या होगा, जब ये एरर्स देगा, अगर कोई फील्ड मान लो आपने दो फील्ड यूजर नेम आपने फिल कर दिया, पासवर्ड जो आपने फिल नहीं किया, तीन फील्ड आपने फिल कर दी, बट जब वो एरर देगा तो वो जो तीन फील्ड भी आपने फिल की ना वो उसको भी नल कर देगा, तो ये ओल्ड क्या करेगा उन फील्ड को नल होने से बचा लेगा, ठीक है, वो नल नहीं होगी, जो भी आप एंटर जिस जो फील्ड आप फिल करेंगे वो वहीं पे जो डाटा फिल होगा वहीं पे रहेगा, ठीक है, और जो आपने फील्ड फील्ड फिल नहीं की होगी तो उसकी वो आपको एरर शो कर देगा, ठीक है, तो इसको सेव कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करते हैं इसको रिफ्रेश, ठीक है, अब यहाँ पे ये एरर हमारी जो रिमूव हो जाएगी, ठीक है, चलिए। अब देखिए हमने मैं इसको भी आपको रिमूव करके, अब देखिए हमारा यूजर नेम वहां पे है, यूजर नेम क्या है हमारा, ठीक है, टेस्ट है, ईमेल, ईमेल हमने डाली नहीं थी तो इसलिए पूरा फील्ड इज गॉन, मोबाइल मस्ट बी इंटीजर, अब देखिए मोबाइल नंबर वगैरह इंटीजर होने चाहिए, ठीक है, मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, स्ट्रिंग नहीं आप डाल सकते, अब मैं देखो स्ट्रिंग डाल देता हूँ, ठीक है, अब दोनों, ठीक है, अब देखिए वो पासवर्ड बोला पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, अब पासवर्ड देखिए ये डाल देता हूँ पासवर्ड, अब देखिए मैंने डाल दिया, अब हमारे पास दो एरर आ जाएंगी, ठीक है, अब देखिए कह रहा है ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, मोबाइल मस्ट बी एन इंटीजर, ठीक है, ओल्ड जो है वो रिमूव हो गया, वाई पासवर्ड, ओके पासवर्ड आई थिंक वो पासवर्ड है जो इसलिए उसको वो दोबारा से फिल करना पड़ेगा, ओके ओके पासवर्ड को उसको दोबारा से फिल करना पड़ेगा, ठीक है, अब ईमेल है जो मैं कोई भी डाल देता हूँ, जैसे ये मेरी ईमेल है, आप कोई भी अगर क्वेरी है इस पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अब मैं पासवर्ड नहीं डाल रहा यहाँ पे, सबमिट करता हूँ, ठीक है, अब देखिए मोबाइल भी इज इंटीजर, मोबाइल का हमने फिर नहीं चेंज किया, तो मोबाइल कोई भी रैंडमली डाल देते हैं, रैंडमली 10 नंबर डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, तुम्हारे पास ये किया जाएगा, ठीक है, अब हो रहा है नॉट बी ग्रेटर देन 10, तो आई थिंक वन रिमूव सबमिट, ओके मोबाइल मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 10, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ओके 9 0 सबमिट, ओके 1, ओके आई थिंक मोबाइल नंबर मोबाइल मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 10, ओके तो यहाँ पे हमारे पास जो मैक्स है मिनट है, ओके इसको 10 कर देते हैं, और यहाँ पे इसको रीलोड कर देते हैं एक बार, और यहाँ पे हमारा पास आ जाएगा टेस्ट jsingkk@gmail.com, मोबाइल आ जाएगा हमारे पास, चलिए कोई भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 तक डाल दिया, ठीक है, सबमिट करते हैं अब इसको,
कह रहा है मेथड वेरिएशन मिक्स 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 नॉट मिक्स मिन। ओके यहाँ पे हमारी एरर दे दिया उसने, तो यहाँ पे मिन करेंगे उसको, रिफ्रेश। ठीक है, अब देखिए वो कह रहा है सिर्फ पासवर्ड, ठीक है 10 यहाँ पे आ गए। ओके अगर मैं 10 से ज्यादा डालता हूं तो देखते हैं क्या देता है। ओके ठीक है परफेक्ट, तो मिन इतने होने चाहिए, और जो मैक्स है, मैक्स आई डोंट नो व्हाई इज नॉट वर्किंग, मैक्स मैक्स होने चाहिए, मैक्स मैक्स 10। ठीक है मिन 10 मैक्स 10। ओके रिफ्रेश, ओके नॉट बी ग्रेटर देन, ठीक है, और इसको अगर रिमूव कर देते हैं और सबमिट। ओके ओके इसको अब हम क्या करते हैं, मिन 10 रहने देते हैं 10, ठीक है फिलहाल के लिए इसको। और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एक एट्रीब्यूट आता है, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक जो HTML में भी एट्रीब्यूट आता है मिन लेंथ, सॉरी मिन लेंथ कितनी 10 दे देंगे। ठीक है अब 10 दे दिए यहाँ पे, अब 10 से ज्यादा वो क्या करेगा, टाइप ही नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, तो बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है जैसे मैं मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके ठीक थिंक मिन साइज, ओके इसको भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ओके तो आई थिंक मिन साइज और मिन लेंथ, मिन मैक्स लेंथ 10। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ओके परफेक्ट, अब देखिए 10 तक जाएगा, उसके आगे जितना मर्जी टाइप कर लो ही नहीं जाएगा। ठीक है तो ये हो गया हमारा, तो हमने यहाँ पे मैक्स लेंथ देनी थी, मिन लेंथ भी देनी थी। ठीक है तो चलिए ये हो गया हमारा, अब पासवर्ड। ठीक है अब मैं देखिए अब हमारा काम हो गया, हमारा जो ये है वैलिडेशन प्रॉपर वर्क कर रही है। ठीक है तो यहाँ पे हमारी ईमेल भी आ जाएगी, ओके मोबाइल नंबर कुछ भी 10 तक ही आएगा, ठीक है ज्यादा नहीं जाएगा। पासवर्ड पासवर्ड कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है ओके सबमिट करते हैं। तो अभी ये क्या आएगा, इंसर्ट रिकॉर्ड पे, यहाँ पे आ गया इंसर्ट रिकॉर्ड पे, वैलिडेशन इसने चला दी। ठीक है वैलिडेशन पे आ गया हमारा, अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको क्या करना है, डेटा को स्टोर करना है। ठीक है अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए आपकी भी साथ साथ में कंफ्यूजन है भी डेटाबेस में डेटा स्टोर कैसे करना है। ठीक है अब यहाँ पे चलते हैं हम इसके डेटाबेस के अंदर, ठीक है क्वेरी बिल्डर पे चलते हैं। ठीक है तो इंसर्ट क्वेरी पे आते हैं, इंसर्ट क्वेरी पे, इंसर्टिंग एंड अपडेटिंग। ठीक है अब यहाँ पे देखिए बहुत कुछ है सीखने को, और आपको यहाँ पे ही आपको जो आपकी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो यहीं पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन पे जरूर आना है, डॉक्यूमेंटेशन में ही आपको जो सारे के सारे सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है देखिए हमने क्या किया था, मॉडल, अब देखिए मॉडल अब हमारा पेंडिंग है, अभी मॉडल का भी आपको फंडा समझाता हूँ क्या है। ठीक है तो यहाँ पे ये तो मॉडल उसका आ गया, तो ये मॉडल है, मॉडल मॉडल को हमारे पास अभी वर्क नहीं करना अपने मॉडल पे, तो अभी नीचे चलते हैं इंसर्ट क्वेरी वेयर वेयर वेयर, ये तो वेयर की क्वेरीज हैं हमारे पास। अब नीचे चलते हैं और चलते हैं नीचे इंसर्ट एंड अपडेट मॉडल्स। अब देखिए ठीक है अभी हमें इंसर्ट करना है, देखिए
सबसे पहले हमें जो हमारा होता है, जैसे देखिए उन्होंने ऊपर फ्लाइट नाम का एक मॉडल बनाया था, जैसे मैंने जैसे हमने बनाया टेस्ट यूजर नाम से, उन्होंने क्या किया उसका ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, उनको ऑब्जेक्ट को उस वेरिएबल में डाल लिया, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट बनाया, अब जो हमने टेबल बनाया उसमें हमारा यूजर नेम भी आ जाएगा, इनका नेम है हमारा यूजर नेम आ जाएगा, नेम ईमेल सब कुछ आ जाएगा। अब जो रिक्वेस्ट में आ रहा है, ठीक है, तो हमने जो डाई डंप किया था रिक्वेस्ट में, हमारे पास जो आ रहा था यूजर नेम, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। फिर उसको क्या करेगा, ये सेव कर देगा, ठीक है। तो चलिए इसको यूज कर लेते हैं, अगर नहीं तो और भी फंक्शंस हैं। देखिए अगर ये आपको यूज नहीं करना कोई बात नहीं, अब नीचे आएंगे, नीचे आप देखेंगे तो फिर उन्होंने क्या किया है, ऊपर यूज किया है कंट्रोलर में, कंट्रोलर में क्या किया, मॉडल जो हमारा उसको यूज किया है, फिर उसके अंदर इन्होंने क्रिएट फंक्शन लिखा है, और जो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, ये हमारा जो इसका जो हमारा टेबल है उसका जो ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू ये डाल दी उन्होंने, ठीक है। अब इसी तरीके से अपडेट अगर करना है अपडेट भी हो जाएगा, ठीक है, अगर वेयर लगा के करना है तो वेयर लगा के हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए इन्होंने क्रिएट किया हुआ है मल्टीपल टाइम, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, सेव क्लीन फॉल्स, इस तरीके से बहुत, अगर आपके जैसे कई कई जगह पे होता है हमें लॉजिक लगाने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, तो उसको भी हैंडल करने के लिए यहाँ पे देखिए बहुत सारा आपके पास जो आ जाता है, ठीक है, कंटेंट आपके पास यहाँ पे भरा पड़ा है, जो मर्जी आप यहाँ से कर लो, ठीक है। तो ये सबसे सबसे बढ़िया जो वे है उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर इन्होंने यहाँ पे ये यूज किया है तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, आप वो यूज करिएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, अभी फ्लाइट नहीं है, हमारे पास अभी है टेस्ट यूजर। तो इन्होंने मॉडल को यहाँ पे देखिए, मॉडल को इन्होंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है, तो हम पहले मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फिर अपना टर्मिनल खोलूंगा, तो मैं मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ। तो मॉडल कैसे क्रिएट करेंगे, पीएचपी आर्टिसन मेक मॉडल। अब मॉडल का नेम क्या रखना है हमने, अब देखिए हमने यहाँ पे इसको कैपिटल रखना है, टेस्ट यूजर। अब देखिए मॉडल का नेम क्या रखना है, टेस्ट यूजर, नॉट यूजर्स, ठीक है। टेबल हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा, मॉडल हमारा सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। ओके, चलिए एंटर हिट कर देते हैं, हमारा जो मॉडल है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, मॉडल क्रिएट सक्सेसफुली। अब हमारा मॉडल कहाँ पे आएगा, वो देखिए मॉडल्स फोल्डर है, उसके अंदर टेस्ट यूजर्स आ गया। अब देखिए ये हमारा आ गया मॉडल। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ पे लोड करवा लेता हूँ, यहाँ पे यूज कर लें इसको, ठीक है। तो चलिए वहां पे डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। तो हमने देखा था, ये देखिए इन्होंने कैसे यूज किया, ऊपर ये देखिए यूज, हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। ऐप के अंदर मॉडल्स के अंदर हमारी जो क्या है, हमारा टेस्ट यूजर, ठीक है, हमारा टेस्ट यूजर है, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूं, तो मैं इसी तरीके से यहाँ पे जो इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, टेस्ट यूजर्स, ठीक है, सॉरी टेस्ट यूजर से मैंने इसका बना दिया, और इसको ले लेते हैं यूजर, ठीक है। और इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, यूजर, ठीक है, यूजर के अंदर हमारा क्या था, यूजर ने, यूजर ने, ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ओके, मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट, ओके ओके, यूजर नेम आ गया हमारा। फिर उसके बाद क्या था, हमारा ईमेल, ठीक है। तो रिक्वेस्ट में क्या है, सेम हमारे पास ईमेल आएगा, यहाँ पे हमारा यूजर नेम है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर, मोबाइल, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा जो रिक्वेस्ट में आ रहा है मोबाइल ही आ रहा है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, मोबाइल, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या था, मोबाइल के बाद पासवर्ड, अब इसको भी क्या कहते हैं, पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पासवर्ड, अब इसको यूजर्स को क्या करते हैं, सेव करा देते हैं, यूजर को क्या करा देते हैं, सेव करा देते हैं, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ यहाँ से, और इसको भी कट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया वैलिडेट, वैलिडेट होने के बाद अगर सब कुछ ट्रू है, वैलिडेशन जो बिल्कुल सही परफॉर्म होने के बाद हमारा जो नीचे क्या आएगा, बिल्कुल जो हमारी हमने यूजर का जिसमें हमने डेटा इंसर्ट करवाना है उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा,
फिर उसके जो फील्ड्स हैं, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, फिर उसको सेव करवा देना है यहाँ पे। अब सेव करवाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, रीडायरेक्ट कराना पड़ेगा, रिटर्न करवाना पड़ेगा। हम इसको रीडायरेक्ट करवाएंगे, ठीक है, रीडायरेक्ट करवाएंगे कहाँ पे, यूआरएल पे, ठीक है। हम उसको रीडायरेक्ट करवाते हैं राउट, चलिए राउट ले लेते हैं यहाँ पे। हम उसको राउट पे रीडायरेक्ट करवाते हैं, कौन सा राउट है हमारा, हमने उसको किस राउट पे रीडायरेक्ट करवाना है, क्रिएट रिकॉर्ड पे, ठीक है। चलिए मैं उसको क्या करता हूँ, यहाँ पे रीडायरेक्ट करवा देता हूँ विद 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 क्या करेगा, विद के साथ आप जो सेशन भेज सकते हैं, ठीक है। तो मैं सेशन में मैसेज भेजूंगा, ठीक है, मैसेज मैंने भेजा। अब मैसेज मैंने भेजा तो मैसेज मैं भेजूंगा रिकॉर्ड, इंसर्ट, ठीक है। तो मैंने ये भेज दिया, जब हमारा जो क्या है, सॉरी मैं उसको भेजूंगा राउट, इस राउट पे इसको ओपन कराना, ठीक है। तो मैं उसको रीडायरेक्ट कर दूंगा इस राउट पे, ठीक है, विद किसके साथ, मैसेज के साथ, ठीक है। मैसेज में क्या आएगा हमारे पास, रिकॉर्ड इंसर्ट, ओके जी। चलिए अब ये है हमारे पास सेशन, ठीक है। तो ये मैसेज आएगा, मैसेज को हमें डिस्प्ले कहाँ करवाना है, इंडेक्स पे, तो कहाँ पे इसको शो करवाएंगे, तो यहाँ पे शो करवा देते हैं इसको, ठीक है, इसके ऊपर। तो अब शो करवाना है, अब देखिए मेरे को तो शो करवाना आता नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं तो आपकी तरह हूँ, ठीक है, मेरे को भी कोई शो नहीं करवाना आता, तो मैं शो कैसे करूँ, मेरे को सेशन शो करवाना है। तो यहाँ पे आपके पास सब कुछ है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेशन पे जाना है, सेशन को सर्च करना है, और यहाँ पे आपके पास जो है वो यहाँ पे सेशन कैसे आप क्या करते हैं, उसको सेशन को डिस्प्ले कैसे करवाते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट, ये तो हमारी रिक्वेस्ट में आएगी, ठीक है। तो हमें डिस्प्ले करवाना है, हैस रिक्वेस्ट सेशन हैस, ओके। हमें ये नहीं करवाना, हमें ये भी नहीं करवाना, फ्लैश डेटा, ओके, फ्लैश डेटा रिक्वेस्ट। तो हमें यहाँ पे एक, हमारे पास यहाँ पे एक और होगा, ऊपर ये सब कुछ, तो यहाँ पे ये काउंट है पुश फ्लैश, यहाँ पे फ्लैश डेटा था, फ्लैश सेशन गेट की, नो, तो यहाँ पे हमारे पास एक था फ्लैश करके, ये देखिए फ्लैश, सेशन हैज, यहाँ पे इनके पास एक हैज नाम से भी एक फंक्शन है। अगर सेशन हैज, तो देखिए इफ अगर आपको तो आना है, ठीक है, यूजर्स, चलिए क्या करते हैं इसको ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, मेरे को भी नहीं आता, मैं भी आपकी तरह हूँ। तो इफ अगर रिक्वेस्ट में सेशन है हमारे पास मैसेज, ओके, तो हमें क्या करना है, एंड इफ, यहाँ पे आपको एंड इफ भी लगाना पड़ेगा, एंड इफ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्प्ले करवाना पड़ेगा उस मैसेज को। तो मैसेज को हम किस में डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे उसको डिस्प्ले करवाएंगे, अगर है तो डिव लेते हैं, ठीक है। तो उसको मैं क्लास दे देता हूँ अलर्ट, अलर्ट सक्सेस। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है, मैसेज को इको कराना है, क्योंकि मैंने तो मैसेज नाम का सेशन बनाया, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, इस को एको कराना है, ठीक है, मैसेज नाम के वेरिएबल, ठीक है जी, ओके, डन। चलिए करके देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। अब इंसर्ट होगा डेटा, उसके बाद हमारे पास एक मैसेज आएगा, डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली, चलिए वो देखते हैं। चलिए ठीक है, सेव होने के बाद वो क्या करेगा, हमारे को यहाँ पे इंसर्ट कर देगा, ठीक है।
देखिए, अगर ये जो हमने यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट बनाया, अगर आप यहाँ पे इसको यूज नहीं करना चाहते तो आप इसको क्या करें, यहाँ पे इसको कॉमा लगाएं। जैसे हमने ये देखिए ये भी जो ऑब्जेक्ट बनाया ना, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट हमारे पास क्लास बनी हुई है उसका ऑब्जेक्ट बनाया रिक्वेस्ट, इसी तरीके से आप इसका भी यूजर यूजर नाम से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। और उसको यहाँ पे क्या करते हैं, उसको भी आप यहाँ पे देखिए इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है। तो ये काफी सारे तरीके हैं जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो ये भी सही है, तो इसको अंडू कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने रिकॉर्ड्स पे आते हैं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश और यहाँ पे रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा के देखते हैं डेटाबेस में रिकॉर्ड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये पहले तो हमारे पास एक एरर आ गई है, कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल रिक्वेस्ट, वाई, ओके, अनडिफाइंड वेरिएबल रिक्वेस्ट, QUEST, रिक्वेस्ट, हमारे पास जो रिक्वेस्ट का एक वेरिएबल है, ठीक है, उसको ओके, बट यहाँ पे नहीं एरर दे रहा, ये एरर दे रहा है इंडेक्स, इंडेक्स पे, ठीक है, रिक्वेस्ट इफ सेशन हैज मैसेज देन एक्विरीज, ओके। चलिए रिफ्रेश करते इसको, ओके। चलिए तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना नेम डालता हूँ और यहाँ पे अपना ईमेल और मोबाइल कोई भी आप रैंडमली डाल दो, ठीक है। पासवर्ड भी मैं डाल देता हूँ, पासवर्ड को देखना है कि कैसे भेजता है, ठीक है ना। तो पासवर्ड कोई रैंडमली डाल देता हूँ, नहीं रैंडमली नहीं डालना, ठीक है। पासवर्ड को डालते हैं, हेलो लिख देता हूँ, चलो मैं, ठीक है, हेलो लिख दिया मैंने, ठीक है। मैं सबमिट करता हूँ इसको, देखते हैं क्या आता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए एरर आई हमारे पास, न्यूमेरिक वैल्यू आउट ऑफ रेंज 1, 2, 6, 4 आउट ऑफ रेंज वैल्यू कॉलम मोबाइल एट, ओके 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 ओके। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, ओके, तो जब भी आप मोबाइल नंबर की फील्ड ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको उसको हमेशा ही वर्कर लेना है, ठीक है, उसको हमेशा ही वर्कर लेना है। क्योंकि अगर आप देखिए जो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट इसकी जो लेंथ इसकी जो अपनी होती है ना माई एसक्यूएल की, इसकी टाइप वो एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है, जो मोबाइल हम डालते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको उसको वेरकर ही लेना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं वेरकर कर देता हूँ अभी, तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये नहीं भी आपने वहां से माइग्रेशन डाली तो वहां से चेंज होगा, नहीं, आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बट सिर्फ एक दो फील्ड के लिए। अगर ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां, अब देखिए मैंने यहाँ पे वर्कर कर दिया तो मेरे को वहां पे भी वर्कर करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मेरे को ये मान लो कि डिप्लॉय करना पड़ता है इस प्रोजेक्ट को, तो फिर मेरे को वहां पे भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और दोबारा से चला देते हैं, ठीक है। वो कह रहा है राउट, राउट जो है क्रिएट रिकॉर्ड नॉट डिफाइंड, ओके। अब ये एरर दी है, बट क्या हुआ, देखिए उसने ये एरर दी है बट रिकॉर्ड जो हमारा है वो डेटाबेस में आ चुका है, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, रिकॉर्ड जो हमारा है वो डेटाबेस में आ चुका है, ठीक है, ये देखिए, अब देखिए हमारा जो रिकॉर्ड है वो डेटाबेस में आ चुका है, ठीक है। अब देखिए पासवर्ड वही बात हुई, उसने क्या किया, इनक्रिप्ट नहीं किया, उसने सीधे डाल दिया। अब इसका भी हल करते हैं, अब देखिए वो कह रहा है राउट क्रिएट नॉट फाउंड, क्यों, क्योंकि हमारे पास देखिए मैंने राउट तो यहाँ पे बना दिया, अब यहाँ पे इसकी नेमिंग कन्वेक्शन नहीं की, ठीक है, मैंने राउट तो यहाँ पे बना दिया, अब मैंने उसको नेम नहीं दिया, क्या नहीं दिया, मैंने उसका नेम रखना था, ठीक है, मैं उसका नेम क्या रखूंगा, क्रिएट इसको यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड, ठीक है, ओके। मैंने सेम वही नेम रख दिया जो यूआरएल में दिया है, ठीक है, सेव कर देता हूँ इसको। अब देखिए मैं अगर दोबारा से रिफ्रेश करूंगा तो दोबारा से एंट्री नहीं जाएगी, मेरे पास यहाँ पे एरर आएगी, क्यों, क्योंकि
क्यों, अगर मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश करूंगा तो सेम नेम जाएगा, यूजर नेम जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या करके रखा है, वैलिडेशन लगा के रखी है, यूनिक टेस्ट, ठीक है, यूजर्स, ओके, तो यूनिक होने चाहिए। अगर मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश करूंगा तो वैलिडेशन हमारे देगा यहाँ पे, देखते हैं वैलिडेट कर रहा है यहाँ पे कि नहीं। मैं ठीक है, तो देखिए द यूजर नेम हैज ऑलरेडी बीन टेकन, तो मैंने क्या कहा था आपको, ये हमें यहाँ पे एरर जरूर देगा। ठीक है, तो चलिए मैं कोई वन लिख देता हूँ और पासवर्ड कुछ भी रख देते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ भी रख देता हूँ मैं रैंडमली। अब यहाँ पे मैं इंसर्ट करता तो अब यहाँ पर मैसेज आएगा, ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली, ओके। अभी वो कह रहा है मैसेज, अनडिफाइंड वेरिएबल मैसेज, ओके, अनडिफाइंड वेरिएबल मैसेज। तो हमें यहाँ पे मैसेज को शो नहीं करवाना था, हमें यहाँ पे क्या करना था, हमें इसको ही एको कराना था। तो सेशन, सेशन के अंदर मैसेज, ठीक है, अब दोबारा से एरर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक रिकॉर्ड तो आया है, बट जो सेशन है, सेशन ने क्या किया, डिस्प्ले नहीं किया सेशन, ठीक है, सेशन यहाँ पे उसको डिस्प्ले करवा कर देना चाहिए था, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, मैसेज, तो सेशन उसको एको करना चाहिए था यहाँ पे। चलिए दोबारा से एक रिकॉर्ड डाल के देखते हैं, टेस्ट नाम से, टेस्ट एट gmail.com, मोबाइल कुछ भी डाल देते हैं, पासवर्ड, पासवर्ड कुछ भी डाल देते हैं, एंटर हिट करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या आता है हमारे पास, ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एक मैसेज आया है, रिकॉर्ड इंसर्ट, ठीक है, तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, और यहाँ पे दो कर्ली ब्रैकेट्स, ये क्या कर रही है यहाँ पे, ओके, तो इसको यहाँ पे रिमूव, और इसको भी यहाँ से रिमूव, आई थिंक, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे रिमूव हो गया, ठीक है जी। चल अब इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्लैश मैसेज है, ओके, तो हमारे पास रिकॉर्ड्स आ गए यहाँ पे, ठीक है, तो चलिए, ओके, तो ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहता कि आपका और टाइम जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका जो कैसे पासवर्ड को हैश करेंगे, फिर उसको अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे, और उसको, ठीक है, लिस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।